वर्णन आता है 38 से लेके 5 श्लोकों में, और उसके बाद उसको आस्वादन भी कराया, वो हमने चर्चा किया कि तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम इत्यादि। और वो बहुत ही हर एक भगवान के हर एक अवयव का सुंदरता और माधुर्य का आस्वादन करते हुए चरण कमल को देखते थे, मुंह को देखते थे, इतर ऐसा कर करके वो बहुत ही अपूर्व आनंद का उन्होंने अनुभव किया। हालांकि वो ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे, लेकिन ये आनंद उसके ऊपर था। और फिर ये करने के बाद अंतिम 5 श्लोकों में, 46 से लेकर 50 में, उन्होंने बहुत ही अच्छा भगवान का गुणगान किया कि भाई कैसे हम ब्रह्मा जी और नारद मुनि की कृपा से आपका आज दर्शन पाए, हालांकि ये पापियों को पॉसिबल नहीं है। और तो ऐसे उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं की जो हमने देखी पिछली बार अंतिम 5 श्लोकों में, कि ये आपका बहुत बड़ा कृपा है कि हाँ अभी हम भक्त बन गए हैं, पहले हम ज्ञानी थे, तो अभी हम आपको देख करके तो आनंद का अनुभव कर ही रहे हैं, लेकिन आपके कथा में भी इतना आनंद है, तो उसका भी वर्णन करते हैं 48वें श्लोक में। और फिर बाद में वो बोलते हैं कि भाई हमें बिल्कुल ये निर्विशेष ब्रह्म में नहीं चाहिए, हम इसमें भी चले जाएं, नरक में भी जाएंगे लेकिन भक्ति करते ही, लेकिन हमें ब्रह्म विलीन नहीं होना। और अंतिम श्लोक में वो बताते हैं आप, हमने आपके जो जय विजय उसका अपराध किया, तो भी आपने हम पे ऊपर कृपा किया, ये आपका बहुत बड़ा सहनशीलता है। तो ऐसे ये पिछला अध्याय खत्म हुआ, और अभी ये 16वां अध्याय का हम प्रार्थना करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो ये बहुत ही विशेष अध्याय है, यहाँ पर भी ये कथा, ये जो लीला है इसका और खुलासा होता है कि ये कितना विशेष लीला है और ये कैसे भगवान ने रचा है। तो आइए देखते हैं इसका कार्य का, और इसमें क्या है ये अध्याय 16वें अध्याय। हाँ कोई तो पढ़िए ये 16वें अध्याय का कारिका का भाषण पर। मैं बोला प्रभु, हाँ पढ़िए महाराज। 16वें अध्याय में भगवान भयभीत कुमारों के शाप को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि जिन द्वारपालों को भगवान से प्रेम था, भगवान उनके प्रति स्नेह रखते थे। हाँ तो भृतेषु आत्मीयताम आत्मसु आदरम जानताम हरिः, षोडशे विभातम तेषाम शापम एव अन्वमोदत। अन्वमोदत मतलब शाप को स्वीकार किया और स्वीकार करते इसके, ये जो कुमारों के वो भयभीत हुए थे, विभात भयभीत हुए हुए कुमारों के शाप को वो स्वीकार करते, लेकिन कुमार भयभीत क्यों हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन द्वारका भगवान का द्वारपालों के पास तो प्रेम था ही, द्वारपालों का भगवान के प्रति प्रेम था ही, इसलिए तो वो उनको बोले ना कि भाई हम भौतिक जगत जाने के लिए हम स्वीकार करते हैं, लेकिन एक ही हमें आप बोले कि भाई हमको भगवान का विस्मरण ना हो। तो वो सुन करके, उनका नम्रता सुन करके उनके हृदय में भी नम्रता प्रकट हुआ। लेकिन ये अध्याय में ये भी जानेंगे कि भगवान के उनके प्रति कितना स्नेह है। तो ये है भूतेषु आत्मीयताम आत्मेषु आदरम जानताम, तो ये सब जाने ये 4 कुमार जो है, और फिर वो भयभीत भी हुए। अब देखो मैं इस अध्याय, तो ऐसा है पहले 12 जो श्लोक है भगवान का बहुत ही विशेष बोली है, जो समझना पाए वो, इसका ही हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद
ये सुनकर के जो ज्ञान शक्ति अवतार है चार कुमार, तो ज्ञान शक्ति अवतार ये भगवान की बोली को समझ नहीं पाए और वो भ्रमित हो गए। तो 13 से 25 लेख में वो उनका हृदय व्यक्त करते कि भगवान आप क्या बोल रहे हो ये, और हृदय पूर्वक वो उनकी मतलब उनके हृदय में क्या चल रहा है वो व्यक्त करते हैं। फिर भगवान उनको पूरा सांत्वना देते हैं कि भाई देखो ये सब मेरा ही, ये चार जय विजय क्रोधित हुए, उसके बाद आप क्रोधित हुए, फिर आपने श्राप दिया, ये सब मेरा योजना था और मेरा इरादा क्या था, ये जगत को कुछ सिखाना है, वो भी है वो हम देखें 26 से लेके 31 में भगवान बोलते हैं, और बाद में 32 से लेके 37 में ब्रह्मा ये जो कहानी है उसको अंतिम ये बताते हैं कि भाई फिर वो जय विजय के रूप में इधर आ गए। तो ऐसा ही अध्याय है। तो अभी इसमें प्रवेश करेंगे तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि उनका वीडियो चालू कर सकते हैं और सभी वैष्णवों को दर्शन दे सकते हैं, प्रसन्नता हो जाएगी। तो अध्याय 16, वैकुंठ के दोनों द्वारपाल जय विजय को मुनियों द्वारा शाप, ऐसा ही। तो ये तो ऑलरेडी देख लिया, ब्रह्मा वाच कि तत्प्रणताम तेषा मुनीनाम योग धर्मिणाम प्रतिनंद जगादीदम विकुंठ निलयो विभु। ब्रह्मा ने कहा, जिस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवद्गोवा में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। हाँ, तो दृढ़ता मतलब उन्होंने बहुत अच्छी प्रशंसा की ना, और बोला पिछले 5 श्लोक में हमने देखा बहुत ही सुंदर प्रशंसा की, और थोड़ा नम्रता से उनका गलती भी व्यक्त किया कि हम शायद गलती किए तो अपराध करने से हम नरक में भी जाएंगे, लेकिन भक्ति करना है हमें तो ये सब, और भगवान का प्रशंसा किया सहनशीलता का इत्यादि सौंदर्य का। तो ये सुनते हुए भगवान भी खुश हो गए, और भगवान ने उनको प्रतिनंद्य मतलब उनको भी बधाई दिया, और फिर कुछ शब्द कहे। तो वो है 2 से लेके 12वें श्लोक तक। तो ये जो श्लोक है बहुत विशेष है। तो वो क्या उनका भाव क्या है कि आपको अपराध करने से नहीं डरना चाहिए, ये 11 श्लोकों में व्यक्त किया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये लोग थोड़े भयभीत हुए हैं। तो लेकिन ये जो भगवान जो यहाँ पर बोल रहे हैं, तो 2 से लेके 12 आप देखोगे तो ये भगवान की वाणी है, और उसके बाद 13 और 14 जो श्लोक है ना वो ब्रह्मा जी भगवान के वाणी के बारे में बताते हैं। तो मेरा विचार था कि पहले ब्रह्मा जी वो वाणी के गुणगान करते हैं, और उसका क्या प्रभाव गिरा चतुष कुमारों पर वो बताते हैं। तो वो हम पहले देखेंगे और फिर हर एक श्लोक के द्वारा देखेंगे। संक्षेप रूप में इसमें क्या बताया है कि पहले 4 श्लोकों में भगवान ने प्रेम पूर्वक उनको डांटते हुए ब्राह्मणों का स्तुति किया है, और उनका बहुत ज्यादा स्तुति 6 से लेके 11 में किया है। ठीक है, तो अगर उसका संक्षेप रूप में देखना है तो ऐसा है, आप देख सकते हैं कि देखिए कि पहले 2 से लेके 5 में क्या बता रहे हैं कि भाई देखिए ये दो आपने जो कार्य किया है, जो श्राप दिया है, ये सही है, क्योंकि इन्होंने ये मेरा इरादा समझ ना पाए, मेरे मनोभाव नहीं समझ पाए, तो इन्होंने गलती की है, आपको नाराज किया है, तो मुझे भी जो दंड देने का इच्छा था वही आपने दिया है, तो आप बिल्कुल सही हो, आप मेरे अनुयायी भी हो और आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि इन्होंने वांछित आचरण की उपेक्षा की है। तो इसलिए ये 2 और 3 श्लोक में बताते हैं, और भगवान और आगे बोलते हैं कि भाई इन्होंने ने मुझ मेरे ने मैंने अपराध किया है आपका, क्योंकि ये लोग मेरे लोग हैं ना, तो मेरे लोगों ने अपराध किया मतलब मैंने अपराध किया। तो ऐसा 4थे श्लोक का भाव है, क्योंकि ये मेरे लोग हैं,
तो वो मानव पूछेंगे कि अरे भाई आप सर्वोच्च भगवान अपराध कैसे कर सकते, अगर आप ऐसा करते तो आपको कौन दंड देगा हुँ? और आप आपको कैसे प्रतिबंधित कर सकते। तो फिर भगवान बोलते अरे सजा अलग देने की जरूरत नहीं है, दंड देने का ऑलरेडी मेरा बदनामी है, यही मेरा बहुत बड़ा दंड है, क्योंकि मेरे सेवकों ने गलत कार्य किया है उससे मेरा बदनामी होगा, वही बहुत बड़ा दंड है मेरे लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वप्न हिंदुन्नो विष्णु नका इंद्रिय स्वराज्य भावे। तो कौन है, नोट कीजिए कृपया। तो ये उनको बोल रहे कि भाई आप डरिए मत, आपने जो दंड दिया है वो सही है। और फिर बाद में 6 से लेकर 11 में वो ब्राह्मणों की स्तुति करते हैं, और बहुत ही विशेष स्तुति है, और ये स्तुति का अर्थ क्या है, इसका बाहरी आंतरिक अर्थ है, बहुत कुछ है, लेकिन वो संक्षेप रूप में आप देख रहे हो कि वो क्या बोलते हैं कि देखो आपके कारण मेरे को प्रतिष्ठा प्रसिद्धि और मेरी जो ख्याति है ये आपके कारण है, और आपकी सेवा के कारण ही मेरे, तो ये मेरी प्रतिष्ठा प्रसिद्धि ये क्या है, मेरा यश का, मेरा जो कथा वगैरह होती है मेरी उसमें इतनी शक्ति कैसे है आपकी वजह से। और 7वें श्लोक में बता रहे हैं कि एक्चुअली आपकी सेवा के कारण ही मुझे ये शुद्ध करने की शक्ति है मेरी कथाओं में और मेरे चरण रज में इत्यादि, और मेरे चरणों में लक्ष्मी जी सेवा करने की अभिलाषा क्यों रखती है, क्योंकि मैं आपकी सेवा करता हूँ इसलिए। तो ये 7वां श्लोक है। 8वां श्लोक में बताते हैं कि देखो भाई मैं प्रसन्न कब होता हूँ, यज्ञ में भी मैं प्रसन्न होता हूँ क्योंकि यज्ञ मेरा मुख है, लेकिन उससे ज्यादा मैं प्रसन्न कब होता हूँ, जब आप लोग खाते हैं ना, ब्राह्मण लोग आपके मुख से खाते हुए मेरे को ज्यादा प्रसन्नता होती है, आपकी चरण धूलि मैं हमारे मेरे सिर पर जब लेता हूँ उसकी वजह से ही इतनी सारी समृद्धि और शक्ति में धारण कर सकता, ऐसे भगवान ऐसे किरीट दिखा के बोलते हैं। और मैं ऐसे लोगों को दंड देता हूं जो आपको और मुझको अलग देखते हैं, ब्राह्मण्य देव, तो ब्राह्मण और भगवान को अलग भेद दृष्टि से जो देखते हैं उन लोगों को मैं दंड देता हूं। और उतना ही नहीं, देखो जो लोग आपकी सम्मान पूर्वक सेवा करते हैं ना, कभी कभी आप क्रोधित हो जाते हैं, कटु वचन भी बोल देते हैं, लेकिन जो आपके सेवक आपको दंडवत करके तो भी सेवा करते रहते हैं, आपका कटु वचन सुन करके भी जो आपकी सेवा करते रहते हैं आदर पूर्वक, वैसे लोगों के हाथ में मैं कठपुतली हूँ, ऐसा ब्राह्मणों का गुणगान करते हैं। और लास्ट में वो बताते देखो आपने सही शाप दिया है, उनको शाप मिलने दो, लेकिन आप मुझे कृपा करो कि भाई ये जल्दी से जल्दी मेरे धाम वापस आए, क्योंकि आपका उन्होंने अपराध किया हुआ है, तो उनको तो सजा पानी ही है, लेकिन शीघ्र से शीघ्र मेरे पास उनको लेके आए। ऐसे वो 6 से 11 संक्षेप में बताते। तो ये सुन करके जो 4 कुमार है वो पूरे मतलब ज्ञान शक्ति के अवतार है, समझो अगर कुमारों का आप सुनोगे उन्होंने कितने सारे उपदेश दिए हैं, कितने सारे नारद मुनि को भी उपदेश दिए हैं, लेकिन ये लोग भगवान की वाणी से मोहित हो गए। तो पहले वो 2 श्लोक देखेंगे और बाद में इधर आए, पहले ये श्लोकों तक तो देखिए, ये 12वां देखो, ब्रह्मा भगवान की अद्वितीय वाणी की महिमा करते हैं। ब्रह्मा उवाच अथ तस्योषतिम देवी ऋषिकुल्यां सरस्वतिम नास्वाद्यमन्युदष्टाना तेषामात्मात्म तृप्यत। पढ़िए 2 श्लोक। हरे कृष्ण। ब्रह्मा हाँ ने आगे कहा, यद्यपि मुनियों को क्रोध रूपी सर्प ने डस लिया था, किंतु उनके आत्मा श्री भगवान की उस मनोहर तथा तेज पूर्ण वाणी को सुनकर तुष्ट नहीं थे, जो वैदिक मंत्रों की श्रृंखला के समान थी।
क्या बोला है इधर, तेषाम आत्मात्म अतृप्यत, तो ये लोग तृप्त नहीं हुए, हालांकि उनका गुणगान हुआ है लेकिन उनका मन या बुद्धि या आत्मा कुछ भी तृप्त या संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? न आस्वाद्य मन्यु दष्टाना, क्योंकि वो क्रोध रूपी सर्प से दंश दष्ट हुए थे, उनका क्रोध अभी भी पूरा खत्म हुआ था नहीं। और भगवान की जो वाणी थी वो कैसी थी, तो उसका वर्णन है, अथ, तो अथ मतलब ये तस्य परमेश्वर का, उषतिम देवीम ऋषिकुल्याम सरस्वतीम, तो सरस्वती मतलब वाणी, लेकिन सरस्वती वाणी भी होती है और नदी भी है, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बहुत ही विशेष गुणगान कर रहे भगवान की वाणी। तो देखिए भगवान का गुणगान ये पूरा भागवत में है और बाकी सब पुराणों में है, भगवान के अलग अलग गुणों का वर्णन है, लेकिन भगवान की वाणी का विशेष रूप से गुणगान यहाँ पर हुआ है। भगवान की वाणी का डायरेक्ट गुणगान ज्यादा जगह पे नहीं है, ये दो श्लोक विशेष रूप से ब्रह्मा जी यहाँ पर कर रहे हैं, उसको सरस्वती नदी की तरह तुलना कर रहे हैं। और फिर उसके विशेषण क्या है, उषतिम मतलब बहुत ही मनमोहक मनोहर, देवीम मतलब क्या, चमकते, प्रभुपाद जी इधर बोल रहे, देवी मतलब एक देवी जैसी मानो, और ऋषि कुल्याम, ऋषि कुल्याम मतलब वैदिक स्रोतों की श्रृंखला के समान, तो ये प्रत्यक्ष रूप से उसका अर्थ हुआ। लेकिन श्रीमान श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके बारे में बहुत अच्छे बताते हैं, वो क्या बोलते हैं कि देखिए ये जो वाणी है उनकी, ये सरस्वती नदी भी बता सकता है और सरस्वती ये वाणी भी है, तो ये दोनों में ये किया है। तो देखिए गंगा यमुना और सरस्वती, हालांकि सरस्वती तो अभी प्रत्यक्ष रूप से सब जगह पे नहीं दर्शन होता, सिर्फ प्रयाग, प्रयाग नहीं सॉरी क्या, बद्रिकाश्रम के आसपास वो थोड़ी जगह पे तो दिखती है। हम भी गए थे एक बार, तो एक जगह पे सरस्वती नदी का पानी का ग्रहण करने का हमको मौका मिला, उधर किधर जहाँ पर वेद व्यास जी ने लिखा है ना उनका, हाँ बद्रिकाश्रम में ही एक स्थान है उधर। तो ये सरस्वती नदी का विशेषता क्या है, क्योंकि यहाँ वाणी का उससे संबंध है, तो सरस्वती नदी ऐसी है कि वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में, पारदर्शी, पूरी की पूरी पारदर्शी है और स्वच्छ एकदम, जैसे यमुना थोड़ी काली कलर की होती है और गंगा थोड़ी व्हाइट कलर की होती है, लेकिन जो सरस्वती है वो एकदम पारदर्शी है, और एक लेकिन तो ऊपर से आप पूरा देख सकते हो उसमें, पारदर्शी आदमी होता है पूरा का पूरा देख सकते हैं, लेकिन सरस्वती के थोड़ा अंदर जाएंगे आप नीचे पानी के अंदर, तो अंदर में बहुत सारे भोरे होते हैं, तो ऐसी सरस्वती वैसी ही ये वाणी है भगवान की, जिसका हमने संक्षेप में वर्णन किया कि यहाँ पर ब्राह्मणों को तो गुणगान तो हो रहा है लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है वो सोच रहे थे, हमारा निंदन हो रहा है या अभिनंदन हो रहा है, क्या चल क्या रहा है, वो बहुत ही, क्योंकि ऊपरी रूप से आप देखोगे तो ये ब्राह्मणों का गुणगान है और वो सही है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ उतना ही अर्थ नहीं है, जब भगवान कुछ बोलते हैं तो उसमें बहुत गहराई होती है। अब देखोगे भागवत में काफी भगवान के बोली के कभी कभी दो मीनिंग होते हैं, अगर वो गोपियों का आप देखो कि जो उद्धव लेके जाते हैं संदेश, उसके भी दो मीनिंग है जो गोपियों को बोलते हैं,
वाक्पटुता जो है वो उसमें पूरी भरी हुई है, तो उसमें भगवान के बोली में ऐसी वाक्पटुता होती है जैसे कि सरस्वती नदी में। हालांकि बाहरी रूप से एक अर्थ होता है लेकिन अंदर क्या अर्थ है। तो ये चार कुमार, एक तो अगले श्लोक में उसका और वर्णन आएगा, लेकिन ये श्लोक में क्या बताया गया है कि भाई ये जो सरस्वती नदी की तरह इनकी वाणी थी। सरस्वती आप इधर देख सकते हैं, सरस्वती वाणी नदी च, तो उषति मतलब कमनीया मतलब मनोहर मनोहर, और पक्षे स्वच्छम मतलब जैसे सरस्वती नदी स्वच्छ है वैसी भगवान की वाणी मनोहर और स्वच्छ पारदर्शी थी, जहाँ ब्राह्मणों का गुणगान। देवीम, तो देवीम क्या है, मुनिना बुद्धया विविध वितर्कादिमय सह क्रीडति पक्षे पूज्यम, मतलब जैसे सरस्वती देवी नदी ये पूज्य है मुनियों को, वैसे ही यहाँ पर जो भगवान की वाणी थी वो ये चार मुनि लोग हैं, उन्होंने बहुत सारा विविध वितर्क करके भी वो बहुत ज्यादा क्या प्लेफुल मतलब क्या बोले तो क्रीडंती, मतलब जैसे एक युवा लड़की होती है वो कैसे होती है क्रीडन करती है वैसी है। तो उनको अपनी बुद्धि से, मुनियों की बुद्धि से नहीं समझ पाए वितर्क इत्यादि करने के बाद भी, इसलिए देवी बोला गया है। और फिर ऋषि कुल्याम मीन्स हितम पक्षे ऋषिणाम कुल्याम जलस्य रूपम आस्वाद, तो जो ऋषि कुल है मतलब ऋषि मुनि लोग है वो उस सरस्वती नदी का पानी प्रकट पा करके बहुत ही संतुष्ट होते हैं, आनंद लेते हैं उसके मधुरता का। तो वैसे ही ये हितकारक थी ऋषि जैसे लोगों के लिए, तो इनके लिए भी वो हितकारक थी, तो उन्होंने उसका थोड़ा माधुर्य का तो आस्वादन किया, माधुर्य अनुभूत मन्युना सर्पतुल्यना दष्टानम। लेकिन क्या अगले लाइन में क्या होता है कि जो क्रोध रूपी जो सांप है उन्होंने उनको डस लिया था। तो देखिए क्रोध ये ऐसा चीज है ना, ये इसका विष के साथ तुलना किया गया है, क्योंकि क्या जब हम क्रोधित होते हैं तो आजकल के साइंटिस्ट भी बताते हैं एंड्रेलिनिन नाम का एक कुछ ये होता है केमिकल रसायन, वो अंदर स्रवित होता है और वो विष जैसा होता है। तो ये क्रोध हम के दूसरे से ज्यादा हमारे ऊपर ही गलत प्रभाव करता है, तो क्रोध विष व्याप्ता नाम, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसका हिंदी देखते हैं, हिंदी बहुत सरल है। तो ये देख, तो वो पानी को वो चक चक रहे थे, भगवान ने गुणगान किया जो हमने संक्षेप रूप में देखा, उसका मिठास का अनुभव भी किया उन्होंने, लेकिन उनके मन क्रोध के साप के काट काट लिया था, क्रोध से भर गए थे, वो भगवान के सुखद शब्दों की सहन नहीं कर सके क्योंकि उनके स्वाद का अनुभव नहीं हुआ था, उनकी आत्मा उनकी बुद्धि और उनका मन संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने उनकी बातों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि क्रोध का प्रभाव था। तो ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर वो एक व्यवहारिक चीज बताते हैं हमारे जीवन में, तो ऐसा क्यों हुआ वो बता रहे हैं। तो देखो वो पश्चाताप भी उन्होंने किया, लेकिन पश्चाताप कब किया, जब जय विजय ने पश्चाताप पहले किया, उनके चरणों में गिरे तब भी उन्होंने पश्चाताप दिखा। तो भी देखिए ये बहुत जरूरी है, यद्यपि उन्होंने बहुत पश्चाताप दिखाया, उनका क्रोध दूर न होना भक्त के अपराध को दूर करने में कठिनाई को दर्शाता। तो ये देखिए ये हमारे दैनंदिन व्यवहारिक जीवन में सीख है, तो जब हमसे अपराध हो जाता है तो हालांकि पश्चाताप इत्यादि हमने किया है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो जल्दी से जल्दी दूर नहीं होता। तो ये यहाँ पर दर्शाया, जैसे अपराध इधर जैसे दक्ष का उदाहरण है, जैसे नारद मुनि ने सुना है कि दक्ष सबसे पहले शिव जी को अपराध किए,
बाद में उनको वापस लीडर बनाया गया, फिर बाद में बहुत सारा हुआ। ये सब होने के बाद उन्होंने हर्यश्वास शैलोश्वास को पैदा किया, फिर नारद मुनि ने उनको सन्यासी बनाया। उसके बाद वो नारद मुनि के ऊपर क्रोधित हो गए, और फिर नारद मुनि के ऊपर क्रोधित होने के बाद ब्रह्मा जी ने उनको शांत किया, उन्होंने बच्चों को पैदा किया। उसके बाद नारद मुनि उनको उद्धार करने के लिए उनके घर पे गए, पूरा तैयारी होके कि भाई अभी बहुत क्रोध होगा, क्रोध को प्रकट होने के बाद शांत हो जाएंगे, क्योंकि क्रोध शांत कब होता है भागवत बताता है, जब उसका प्राकटीकरण होता है तब शांत हो जाए। तो ये पता नारद मुनि फिर उधर गए थे, और फिर ले उन्होंने पूरा उनका निंदा किया कि आप साधु नहीं, मैं साधु हूँ, आप दिखावा करते हो और लोगों का मन बुद्धि भटकाते इत्यादि, और बाद में शाप दे दिया उनको। और शाप देने के बाद भी उनका क्रोध ठंडा हुआ नहीं, तो वही यहाँ पर बताया कि नारद मुनि फिर देखी कि अरे यार इसको तो मैं भक्ति के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इसका कान पूरा बंद है। तब भी नारद मुनि ये चीज बोलते हैं यहाँ पर जो बोला गया है कि अरे भाई ये महत अपराध के निशान का इतना प्रभाव होता है, देखिए ऐसा बोल के नारद मुनि चले गए। तो वही चीज यहाँ पर बताया कि इवन ट्रेस ऑफ ऑफेंस टू अ ग्रेट वैष्णव सच इज द इफेक्ट। तो वही है, जय विजय के तरफ अपराध करने की वजह से, हालांकि उन्होंने थोड़ा पश्चाताप किया, बहुत पश्चाताप किया, भगवान को बताया भी हम नरक में जाएंगे अगर आपको लगता है हमने बहुत बड़ा गलती तो किया है, लेकिन तो भी वो क्रोध पूरा जा नहीं पाया। तो ये हमें क्या सतर्क करता है कि भाई भक्त के प्रति अपराध को दूर करने में कठिनाई होती है, और उसकी वजह से क्या हुआ फिर देखिए, यद्यपि कुमारों ने भक्तों के प्रति ऐसा अपराध किया था, परंतु भगवान के चरणों की तुलसी की सुगंध की मिठास का अनुभव करना भगवान की दया शक्ति को दर्शाता, जो जय विजय और कुमारों पर दया के बाद हुई, जो अपमान करने के बाद पश्चाताप कर रहे थे। तो यहाँ क्या बताया कि भाई ठीक है आप बोल रहे हो कि अपराध दूर नहीं हुआ, फिर उन्होंने मधुरता का आस्वादन कैसे किया? नहीं, वो उनको भगवान ने कृपा किया इसलिए आस्वादन, नहीं तो वो आस्वादन करने के लिए पात्र नहीं थे अपराध की वजह से। और वो क्यों भगवान ने दया की? क्योंकि जय विजय ने उनके ऊपर दया की। तो भगवत कृपा भक्त कृपा अनुगामिनी, ये दूसरा सिद्धांत है यहाँ पर प्रतीत होता है। और फिर माधुर्य का मैं प्रवेश और अनुभव, प्रवेश मतलब उधर जाने के बाद भगवान का दर्शन लक्ष्मी जी के साथ, और अनुभव मतलब उन्होंने तस्या रविंद्र नयनस्य इत्यादि, ये दोनों भगवान की कृपा है। हालांकि अपराध के कारण माधुर्य अप्राप्य हो जाता है, लेकिन तो भी उन्होंने अनुभव क्यों किया? क्योंकि भगवान की कृपा के द्वारा। तो इसका दक्ष का तो उदाहरण मैंने बताया आपको, दक्ष ने अपराध की वजह से क्या हुआ, नारद मुनि का इच्छा था कि ये भक्त बने, लेकिन उसका इच्छा को भी वो ग्रहण नहीं कर सके। वैसा ही धृतराष्ट्र का उदाहरण है, धृतराष्ट्र को उद्धार करने के लिए श्रीमान हमारे विदुर जी अपना कृष्ण कथा छोड़ के आए। एक्चुअली कृष्ण कथा छोड़ना, वो कृष्ण कथा सुनने के लिए ही यमराज से इधर आए थे, लेकिन वो कृपावश उनका भाई का उद्धार करने के लिए कृष्ण कथा छोड़ के गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे अपराध किए थे पांडवों के ऊपर, इसलिए उनको वो भक्ति नहीं दे पाए, उनको धीर बनाया, मोक्ष दिया। तो ये अपराध का प्रभाव है, क्योंकि अपना भक्ति का ग्रहणशीलता ये कम कर देता है। और देखिए ये तो बहुत ही डेंजर, यदि कुमारों ने भक्तों के प्रति अपराध नहीं किया होता, तो भक्त और भगवान की दया से उनमें शुद्ध दास्य प्रेम विकसित कराया गया, लेकिन अपराध की शेष उपस्थिति के कारण वे केवल शांत भक्ति के स्तर तक विकसित हुए। तो देखिए तो वो शांत रस में ही सेवा करता है, वो तो भगवत पार्षद नहीं बने दास्य रस के भाव में। तो ये भाव है, तो ये यहाँ पर ना स्वाद्य मनुदष्टानाम, इसका तात्पर्य में ये अतृप्तता क्यों है,
ये अपराध के प्रभाव से, और अपराध के प्रभाव से क्या क्या होता है ये सब इधर बताया है कि कैसे ग्रहणशीलता भगवान की मधुरता का, भगवान की सेवा में प्रवृत्त होने का ये कम हो जाता है। तो ये यहाँ पर दर्शाया है ये श्लोक में। हालांकि यहाँ पे वर्णन है कि भगवान की जो वाणी है वो सरस्वती नदी की तुलना की, ठीक है, तो ये डबल मीनिंग बोल सकते हैं। जैसे अर्जुन का प्रभाव था, दूसरे अध्याय में अर्जुन बोलते हैं कि भाई, तीसरे अध्याय की शुरुआत में, कि आप दो दो चीज क्यों बोल रहे हो, एक चीज बोलो। व्यामिश्रेणेव वाक्य में, व्यामिश्रेणेव वाक्य में बुद्धि मोहयसी व में तदेकं वद निश्चित्य, ये एक चीज बताओ भगवान। तो यहाँ पर भी भगवान चार कुमारों को ऐसा बोल रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे भगवान। तो ये यहाँ पर वर्णन है। तो इनकी वाणी का दो अर्थ है, तो उसके चार गुण यहाँ पर वर्णन किए हैं अगले श्लोक में, जो ब्रह्मा जी गुणगान कर रहे हैं। उत्तम श्लोक, भगवान जो उत्तम श्लोक द्वारा जिनका गुणगान होता है, वैसे उत्तम श्लोक वाणी का उत्तम श्लोकों द्वारा गुणगान हो रहा है ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी उसको समझ पाए, हालांकि उनके बेटे समझ नहीं पाए। तो उनके क्या है उदाहरण, ये विशेषण देखिए, बहुत ही सुंदर श्लोक है। सतीम व्यादा ये शुणवंतु लघ्विम गुरुवर गह्वरा विद्या विगाह्य गाध गंभीरा नविस विदुष्पश्चिकीर्षितम्। श्री भगवान की उत्कृष्ट वाणी, इसके गहन अचेतता, इसके अत्यधिक गहन महत्व के कारण समझी जाने में कठिन थी। मुनियों ने उसे कान खोलकर सुना तथा उस पर मनन भी किया, किंतु सुनकर भी वे यह नहीं समझ पाए कि श्री भगवान क्या करना चाह रहे हैं। तो देखिए ये है इसका, ये समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्या चल रहा है। तो इसका क्या क्या बोल रहे हैं, सती, तो सती मतलब सर्वोत्तम, एक्सलेंट, और उसका अर्थ है ये भी एक सच्ची वाणी थी, ये ऐसा झूठ वूठ कुछ नहीं बोल रहे थे और धोखा देने के लिए नहीं बोल रहे थे, इसलिए सती बोला है। सती जैसे सती को बोला जाता है, एक पतिव्रता स्त्री को भी सती बोला जाता है, तो धोखा देने के लिए बोली गई नहीं थी, वो बहुत ही सर्वोत्तम थी ऐसी सती। और लाघवी, लाघवी मतलब बहुत ही अच्छी तरह से रची हुई, जैसे एलोक्वेंट बोलते हैं, वाग्मिता मतलब बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही ज्यादा अर्थपूर्ण, बहुत अच्छी तरह से रचा हुआ शब्द, चोजन वर्ड्स बोलते हैं ना, चुने हुए शब्द, ऐसे लाघवी, इसको लाघवी बोलते हैं। जो वाग्मिता बोलते हैं, जो वाग्मिता मतलब एलोक्वेंस, मतलब बहुत गहरा सार सबसे कम शब्दों में व्यक्त करना, इसको बोलते हैं लाघवी, वाक्पटुता। तो ऐसी वाणी, और गुरु अर्थ मतलब बहुत ही गहन अर्थ था उसका। और क्या गव्वराम, को समझ पाना बहुत कठिन था कि इसका उद्देश्य क्या है, क्या बोला जा रहा है इधर। तो ये है चार यहाँ पर, सती, लाघवी, गुरु अर्थ, गह्वरा, ऐसे इसका गुणगान करते हुए वो बता रहे कि ये चार कुमार इसका बहुत बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने हो, व्यादाय शुण्वतः शुण्वंत, लेकिन विगाह्य अगाध गंभीरम न विदु, वो नहीं समझ सके इतनी गहरी वाणी को। ये ज्ञान शक्ति का अवतार है, सोचिए बहुत सारे उपदेश दे चुके हैं लेकिन यहाँ पर ये समझ नहीं सके कि भगवान क्या चाहते हैं, हमारा निंदा हो रहा है क्या, हमारा गुणगान हो रहा है, अभिनंदन या निंदन। तो ये दो पक्ष है, ठीक है, तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी दोनों लिखते हैं कि देखिए यहाँ पर हमारा निंदन तो स्पष्ट है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं,
ये सोच रहे क्या प्रभु हमारी स्तुति कर रहे हैं या हमारी निंदा कर रहे, क्या चल क्या रहा है इधर। एक निंदन पक्ष है, एक अभिनंदन पक्ष। क्या वह हमारे द्वारा तय की गई सजा की व्यवस्था करेंगे या वो पूरी सजा को काट देंगे, नष्ट कर देंगे जो हमने जय विजय के ऊपर की है? क्या वह हमारे अपराध के लिए हमको सजा देंगे और अपने दो नौकरों के साथ बड़ी दया का व्यवहार करेंगे? हम इरादे नहीं जान सकते, भगवान क्या चाहते हैं यही नहीं समझ में आ। और फिर वो सोच रहे कि ठीक है, स्तुति कर रहे क्यों? क्योंकि भगवान का आनंद तो स्पष्ट दिख रहा है उनकी बॉडी में, उनके व्यवहार में, तो वो तो खुश है, तो स्तुति तो कर रहे हैं। लेकिन फिर निंदा भी है उसमें, जो निंदा है या गंभीर अस्वीकृति है हमने जो किया वो सही तरह से हम नहीं समझ पा रहे। इसलिए कि क्या चल रहा है, बोल क्या रहा है भगवान, तो ऐसा ये समझ नहीं पाए। हालांकि वो ध्यान पूर्वक सुने, वो सत्य भी थे, ऐसा नहीं भगवान कुछ झूठ मूठ बोल रहे थे। जो बोलते हैं ना, क्या बोलते, वर्ड जगलरी, शब्द जाल में फंसाया फंसाया जाना, तो भगवान बहुत ही पटु है इसमें। और वो जैसे चैतन्य महाप्रभु थे ना, निमाई पंडित, वो पटु थे, किसी को हराते थे और फिर बोलते थे कि ये मेरा पक्ष लेके वापस हराते थे। तो ये भगवान इसमें बहुत पटे थे। तो देखिए, इसके सत्य थे, नपे तुले थे, गहरे अर्थ के कारण समझने में कठिन थे, तो ऐसे वो समझ नहीं पाए। तो हम लोग आचार्य लोग हमको बताते हैं कि ये क्या शब्द है, तो इसमें दो पक्ष जानना जरूरी है। अगर आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे और श्रीधर स्वामी का पढ़ेंगे तो ये एक पक्ष उन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये देखिए स्लाइड अभी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे वर्णन है कि 1 से 12 जो श्लोक है, ये तो 2 से 13, उसमें भगवान दो पक्ष बोलते हैं। एक है अभिनंदन पक्ष, जहाँ पर वो ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ब्राह्मण्य देव है तो ब्राह्मणों का गुणगान तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसका दो अर्थ है। एक वो लोक शिक्षा के लिए है, जहाँ ब्राह्मणों की महिमान का बखान किया जाता है। तो श्रीधर स्वामी और प्रभुपाद के जो तात्पर्य है ये यही अर्थ देते हैं ब्राह्मणों का। लेकिन ये कौन से ब्राह्मणों की बात हो रही है? जो वैष्णव ब्राह्मण है उसकी ही बात हो रही है, ये दूसरा अर्थ समझना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत ही स्पष्ट रूप से इसका भी एक तात्पर्य में वर्णन करते कि यहाँ पर जो भगवान ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं, ये ब्राह्मण भगवत तत्व को जानने वाले हैं, ना कि सिर्फ निर्विशेषवादी ब्राह्मण या देवी देवताओं के पूजक ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण के ऊपर ये गुणगान लागू होता नहीं है। जो वैष्णव ब्राह्मण है, जो भगवत तत्व को जानने वाले हैं, ना ही देवी देवताओं के वर्शिपर या ब्रह्म परमात्मा के समझ वाले, नहीं, भगवत तत्व जानने वाले ब्राह्मण सामान्य भांडवल, तो ये जीव गोस्वामी भी कहते हैं। प्रभुपाद जी भी ये अपने तात्पर्य में उद्धृत करते हैं। तो ये हो गया अभिनंदन पक्ष। ठीक है, जहाँ पर बाह्य रूप से, जैसे सरस्वती नदी है, उसके ऊपरी रूप से आप देखोगे कि पूरी एकदम पारदर्शी है, सही है, ये जो शब्द है वो सही है। लेकिन यहाँ पर ये अभिनंदन पक्ष लोक शिक्षा के लिए, लेकिन अंदर उनका जो क्या इच्छा था वो है निंदन पक्ष। वो क्यों बोलना चाहते थे? क्योंकि उनको दिखाना था कि देखिए, कुमारों या ब्राह्मणों, आपसे ज्यादा वैष्णव मुझे प्रिय है, आपसे ज्यादा वैष्णव श्रेष्ठ है, जो मेरे सेवा में रत होते हैं। ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण, आप तो भगवत तत्व जानते होंगे लेकिन वैष्णव मेरे सेवा में स्थित है। तो ब्राह्मण वैष्णव से हीन है या वैष्णव ब्राह्मण से उत्कृष्ट है? तो जय विजय उत्कृष्ट है आपसे, ये बताना चाहते हैं भगवान। ये अंदर का अंदर की बात है, और ये अंदर की बात वो थोड़े समझ पा रहे थे, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा क्या हो रहा है। और ये सरस्वती अर्थ है, जैसे सरस्वती शब्दों का इस्तेमाल करके ये अर्थ है। तो ये सारस्वत अर्थ भगवान के शब्दों में हमेशा मौजूद होता है। भगवान तो
ये है निंदन पक्ष, ठीक है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विस्तार रूप से वो लिखते हैं और जीव गोस्वामी को पैरों के ऊपर पैर चलते हुए। तो ये ऐसे ये श्लोकों को हमें दोनों साइड से देखना है। तो अभी हम ये श्लोकों में जा सकते हैं, तो ये जानना चाहिए। तो देखिए लोक शिक्षा क्या है कि भगवान के वर्णाश्रम जो सामाजिक एक इंस्टीट्यूशन है उसमें भगवान के प्रतिनिधि होते हैं ब्राह्मण, तो उनका गुणगान तो होना ही चाहिए, इसलिए सभी वेदों में है और भागवत में भी है, तो ये सही है। लेकिन उससे ज्यादा भगवान को वैष्णव प्रिय है, ये बात इधर हो रही है। और ये बात सबसे ऊंचे ब्राह्मण जो है, जो चार कुमार है उनके साथ और जय विजय के साथ तुलना में वो बता रहे। तो ऐसा ही चीज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी व्यक्त किया था, जब उनको बुलाया गया था ना एक ब्राह्मण और वैष्णव की सभा में, तो वहां पर उन्होंने पहले कुछ घंटे इतना गुणगान किया ब्राह्मणों का कि ब्राह्मणों को लगा कि अरे ये आया है हमारे साइड से बोल रहा है, कौन से साइड से बोल रहा है। और फिर बाद में उन्होंने वैष्णव के बारे में बोला तो फिर उनको समझ में आया कि वो कौन से तरफ थे। और तब भी के ब्राह्मण आजकल की तरह नहीं थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वक्त, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अभी हम ये दो पक्षों में, तो दूसरा पक्ष ज्यादा हम देखेंगे नहीं, पहले हम अभी श्लोकों से होते हुए आएंगे दूसरे श्लोक से, ठीक है। तो सुंदर श्लोकों में जाते हैं। श्री भगवान उवाच एतौ तौ पार्षदो मह्यं जयो विजय एव च कदर्थी कृत्यम यद्भो भवत्क्रातमाक्रतिक्रमम्। भी कोई और पढ़ सकता है? श्याम भजन तो आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री यस प्लीज। भगवान ने कहा, जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। हरे कृष्ण। कृष्ण, तो देखिए बहु यत कदर्थी कृत्य मतलब अवहेलना किया आपका, और बहु अक्रताम अतिक्रमम, और ये बहुत बड़ा अपराध आपके ऊपर किया है ये मेरे लोगों ने। तो ये देखिए पार्षदो मह्यम, तो ये इस श्लोक का अर्थ है। तो यहाँ यहाँ पर प्रभुपाद जी अभी हमें अपराध के बारे में बता रहे हैं कि कैसे भगवत गत के चरणों पर अपराध करना एक भारी दोष। तो ये पूरे जो भगवान का जो इरादा है ये लीला करने का, वो ये ही है, ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए अपराध करना कितना गहन होता है, कितना डेंजर होता है। तो वही प्रभुपाद जी चालू कर रहे, लेकिन भगवान को भी वो गुणगान कर रहे हैं। देखिए अगर किंतु यही जब वैकुंठ लोक में होता है और यदि संयोगवश वहां कोई अपराध करता भी है तो भगवान उसे बचा लेते हैं, भगवान तथा सेवक के बर्ताव में यही विशिष्टता है। तो भगवान के भक्त वात्सल्य के बारे में भी वो बता रहे हैं, तो जैसा कि ये प्रस्तुत घटना में है। तो यहाँ पर एक सिद्धांत बताया जा रहा है कि जब हम भक्त का अपराध करते हैं तब क्या करते हैं, भगवान का उपेक्षा करते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत अतिक्रमम शब्द सूचित करता है कि भक्त का अपमान करते समय मनुष्य स्वयं भगवान की उपेक्षा कर ले, क्योंकि तो भक्त के हृदय में भगवान उपस्थित होते हैं, और जितना भक्त ज्यादा शुद्ध और ज्यादा प्रगतिशील है तो उसके हृदय में कृष्ण ज्यादा उपस्थित होते हैं। तो जितना हम भक्तों का अपमान करते हैं अब हमारे विचारों में बोली में या कार्यों में, तो उतना हम क्या कर रहे हैं, भगवान की उपेक्षा कर रहे हैं। देखिए ये बहुत ही गहरा चीज प्रभुपाद बता, और फिर थोड़ा पार्श्वभूमि देते हैं उसके बाद कि देखिए ये सब लोग बहुत ही चिंतित हो गए थे, ये जो जय विजय का जो घटना हुआ गेट के ऊपर द्वार के ऊपर,
तो भगवान आ करके सबको शांत सांत्वना दी कि भगवान की कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम इत्यादि, तो उसका ही वर्णन करके भगवान भगवान की दयालुता का वर्णन कर रहे हैं। कैसे भगवान दयालु है कि देखिए ये चार कुमार लोग ब्रह्मा जी को सुन करके आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का चरण कमल को दर्शन करने के लिए, तो उनको रुकाया गया। लेकिन भगवान इतने कृपालु है कि भाई ठीक है उनको रुकाया गया, इधर इतना सारा हो गया, लेकिन वो खुद बाहर आ गए। तो भगवान इतने दयालु है कि यदि भक्त कोई को कोई अवरोध होता है उसकी इच्छा में, तो वह स्थिति ऐसी तरह संभालते हैं कि भक्त उनके चरण कमलों के दर्शन से विहीन नहीं होना पड़े। तो ऐसे वो गुणगान कर रहे भगवान की दयालुता का चार कुमारों के ऊपर, वो दर्शन दे रहे हैं उनको। और जय विजय भी सोच रहे थे तो हम तो अभी भगवान को देख नहीं पाएंगे, हम तुरंत भौतिक जगत में जाने वाले हैं, हम कब देखेंगे, तो उनका भी सांत्वना कर दी। तो प्रभुपाद जी ये दयालुता बता करके हरिदास ठाकुर का उदाहरण प्रस्तुत करते कि हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी को भी ये मंदिर में दर्शन के लगने के लिए नहीं जाते थे अपनी नम्रता से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान है, उनकी दयालुता से हर दिन भगवान खुद उनको दर्शन देने के लिए आते थे और प्रसाद लेके आते थे। सोचिए ये है हरिदास ठाकुर या रूप गोस्वामी का महानता, उनकी भक्ति और उनकी नम्रता। उन चैतन्य महाप्रभु उनकी विनम्रता को समझ गए थे, और चूंकि मंदिर में दर्शन करने नहीं गए थे, चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ से अभिन्न है हरिदास ठाकुर के पास नित्य ही आते थे और उनके साथ बैठते थे तो दर्शन देते थे। तो वैसे यहाँ पर भी चार कुमारों को उन्होंने दर्शन दिया और लक्ष्मी के साथ आए, तो ये और कृपा है भगवान की। ऐसे प्रभुपाद जी पूरा भगवान की कृपालु भाव का वर्णन करते। तो आगे यस्त्वेतयो धृतो दंडो भवद्भिर्मामनुव्रतैः स एवानुमतोऽस्माभिर् मुनयो देवहेलनात्। आप पढ़िए। हे मुनियो, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूं, क्योंकि आप मेरे भक्त हाँ हैं। देखिए भवद्भिर् माम अनुव्रतैः, आप मेरे सब लोग अनुसरण करने वाले हो और आपकी उन्होंने गलत ये किया है आपसे व्यवहार, तो मैं भी उनको दंड देना चाहता ही था, वही आपने दे दिया है, तो यही मैं अनुमोदन कर दूं, मुझे जो दंड देना चाहिए वो आपने दिया है, तो इसलिए आपने जो किया है वो योग्य है, ऐसा वो ये श्लोक में बता है। और वास्तव में देव हेलनाथ मतलब मुझे भी उन्होंने नाराज किया, तो मैं भी उनको दंड देने ही वाला था जो आपने दे दिया, तो बहुत अच्छी बात, आपका योग्य जो भी आपने दिया है वो योग्य है, ऐसा बताए। तो आगे क्या बोल रहे हैं और आगे वाक्य बोल रहे, तद्व प्रसादयाम तद्व प्रसादयाम यद्य ब्रह्म दैव परम हि मे तद्धीत्यात्मकृतं मन्ये यस्त्वद्भुम्बेरसकृता। पढ़िए। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक है। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ, इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो अभी भगवान देखिए उनका तो अनुमोदन किया और एक स्टेप आगे जाके बोल रहे कि भाई इन्होंने अपराध नहीं किया, मैंने ही अपराध किया है आपके खिलाफ, मैंने ही अपराध किया है। तो मानो वो पूछे अरे आपका अपकर्ता ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, वो बोल रहे देखो अगर ये जय विजय मेरे नौकर नहीं होते और मेरे मेरे में उनके बारे में स्नेह नहीं होता तो फिर ठीक है कि मेरा अपराध नहीं है, मतलब क्या ये मेरे लोग हैं, मेरा इनमें स्नेह है, उन्होंने जो किया है मतलब ये मैंने अपराध किया है आपको, और आप क्यों हो ब्रह्म दैव परम ही मैं, आप तो मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा तो सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है मेरे लिए आप, तो ये अपराध मैंने किया है कृपया
तद्वह प्रसादयामि अहम आद्य, कि भाई आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ, कृपया मेरे सेवक स्वपुंबी। देखो तो ये उनका स्नेह को दर्शा रहा है और वो खुद माफी मांग रहे हैं, तो ये बात है यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इधर ये ब्रह्म दैव परम ही में इसके ऊपर पूरा तात्पर्य लिखते कि कैसे ब्राह्मण कैसे भगवान विष्णु के भक्त थे। हम तो ओम तद् विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, तो ये सभी ब्राह्मण लोग इसको गाते हैं। जो लोग योग्य ब्राह्मण हैं वे भगवान विष्णु की रूप की ही पूजा करते हैं, इसका अर्थ कृष्ण राम तथा विष्णु के, क्योंकि ब्राह्मण तो यहाँ पर वो बता रहे कि ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव और वैष्णव का अर्थ है ब्राह्मण। जो भगवान का भक्त बन जाता है वह ब्राह्मण भी है। सूत्र है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को समझ लिया है, और वैष्णव वह है जिसने भगवान के साकार रूप को समझ लिया। तो ये है, और फिर ये मैंने पहले बताया लोक शिक्षा। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि भगवान द्वारा इस अध्याय में वर्णित ब्राह्मण की जो महिमाएं में है ना, वो उनके भक्त ब्राह्मण की है, ना कि ये तथाकथित जो ब्राह्मण है जो भक्त नहीं है, भगवत तत्व को जानने वाले नहीं है, वैसे ब्राह्मणों की गुणगान नहीं है। ये महिमा जो बताया जाएगा अगले श्लोकों में वो भक्त ब्राह्मण या वैष्णव को द्योतक है। इससे कभी यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस संदर्भ में तथाकथित ब्राह्मण का उल्लेख हुआ है, जो कि ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न होते हैं किंतु जिनमें कोई ब्राह्मण के गुण नहीं पाए, उनका गुणगान नहीं हो रहा है। तो वो प्रभुपाद जी पहले ही बता दी। आगे भगवान और क्या बोल रहे हैं, या नामानि च गृह्णन्ति लोको भृत्ये कृतागसी सो असाधुवादस्तत् कीर्तिम हन्ति त्वमिमामयः। किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं। जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारे चमड़ी को दूषित बना देते हैं। तो अभी चार कुमार माने बोलेंगे कि भाई भगवान आप ऐसा कैसा बोल रहे हो, आप सर्वोच्च भगवान कैसे क्या अपराध कर सकते हो, और अगर आपने अपराध कर भी दिया तो फिर आपको दंड कौन देगा और आपको कौन प्रतिबंधित कर सकता है। भगवान उनको उत्तर दे रहे हैं कि देखो भाई आप दंड अलग देने का जरूरत नहीं, मेरा बदनामी हो जाएगा ना, बदनामी हो गया वही दंड है मेरा। जैसे कि एक कोड हो गया हाथ पे समझो, तो हाथ के त्वचा पे कोड हो गया तो हम क्या बोलते हैं कि ये आदमी को कोड हो गया, बराबर। तो वैसा ही मेरे जो सेवक है उन्होंने गलती किया, मतलब तो आप जो यश जाएगा वो किसका जाएगा, वो मेरा ही जाएगा ना, मेरा कीर्ति ख्याति सब नष्ट कर देगा वो। कीर्तिम हन्ति त्वचम इव आमयः असाधुवादः, तो ये दोष है मेरे सेवकों ने किया है लेकिन वो मेरा ही है, तो वही मेरा बहुत बड़ा दंड हो गया, तो और कोई दंड का जरूरत ही नहीं है और ये मेरा ही अपराध है, ऐसा वो व्यक्त कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखिए कैसे भगवान के सेवक भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको कितना सतर्क होना पड़ेगा जब किसी से भी बर्ताव करते हैं, विशेष रूप से दूसरे भक्तों से और बाकी सब से ही। तो वही बोल रहे आते हैं, वो वैष्णव को पूरी तरह सुयोग्य होना चाहिए, एक भक्त को सदैव यह देखना चाहिए कि कृष्ण भावना भावृत में प्रगति के साथ साथ उसके वैष्णव गुणों में वृद्धि हो। भक्त को दोष रहित रहना चाहिए क्योंकि भक्त द्वारा किया गया कोई अपराध भगवान पर दाग है। तो हम कभी भी बाहर जा रहे हैं, हमारे नौकरी के लिए जा रहे हैं या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं या कुछ प्रचार के लिए जा रहे हैं या कुछ बिजनेस कर रहे हैं, वो एक स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन
वो धोती कुर्ता तिलक इत्यादि वैष्णव देख करके वो क्या हमारे बर्ताव से क्या देखेंगे, वो हमारे इस कुछ दाग दिखा तो भगवान को बोलेंगे देखो ये भगवान के लोग ऐसे। तो इसलिए भगवान भक्त का कर्तव्य यह है कि अन्य लोगों के साथ अपने बर्तावों में, विशेष रूप से भगवान के अन्य भक्तों के साथ अपने बर्ताव में सदैव सचेत रहे। तो ये बहुत बहुत जरूरी चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। भगवान बोल रहे कि ये मेरे ऊपर दाग है, तो हम यहाँ पर रहते हुए जब हमारा किसी मंदिर से संपर्क है या किसी हमने दीक्षा ग्रहण वगैरह किया है, तो ये सभी चीजें देखी जाती है। कुछ भी हमारा कुछ हमारे चारित्र में या हमारे व्यवहार में या हमारे आदान प्रदान में कुछ दोष या कुछ त्रुटि है, तो वो क्या देखेंगे कि भाई ये इस्कॉन का है, क्या देखेंगे ये पूना का है, ये मुंबई का है, ये दिल्ली जो भी है, तो फिर हाँ ये इनका शिष्य है इत्यादि। तो ये प्रतिनिधित्व, ये उत्तरदायित्व, इतना बड़ा उत्तरदायित्व हमारे पे है, सोचिए। इसलिए ये बहुत सचेत रहना चाहिए हम। तो यही सचेतता परम पूज्य गिरिराज महाराज को माया के सबसे बड़े प्रभाव से बचाई थी, जब वो मिस्टर एन ने उनके लिए एक वेश्या भेजी थी सबसे सुंदर मुंबई में। और गिरिराज महाराज बहुत ही युवा थे, तो वो नम्रता से बोल रहे थे कि मेरे बाजू में बिठाया गया उनको कार में, तो मेरे के ऊपर प्रभाव हो रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद क्या सोचेंगे, तो इसलिए उनसे शक्ति प्राप्त हो। तो हम किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका स्मरण हमेशा जितना रखेंगे, उनके आदेशों का, उनके कार्यकलापों का स्मरण रखेंगे, तो वहां से शक्ति मिल सकती है। तो यहाँ पर ये प्रभुपाद जी हमें चेतावनी दे रहे कि भाई सदैव सचेत रहे, क्योंकि हम किसी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये अभी बोलने के बाद अभी भगवान उनकी गुणगान करें, तो वो क्या बोल रहे हैं कि कुमार क्या बोल रहे हैं अभी देखिए, आप हमारी ओर से अपराध करने से आप बोल रहे हो कि आपकी बदनामी हो गई और हमारी प्रसन्नता से आपको प्रसिद्धि मिलती, ये बताया, लेकिन हम आपसे बड़े हो गए क्या, फिर हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है आपको, हमारे ऊपर अपराध तो आप बोल रहे हैं आपने किया, आपकी बदनामी हो गई और हमारी प्रसन्नता हो गई तो आप प्रसिद्धि हो रहे, तो आप हमसे बड़े हो गए क्या, ऐसा वो पूछ रहे भगवान को। तो भगवान बोले इसमें क्या संदेह है, आप मेरे से बड़े हो, आपका कितना गुणगान करूं मैं। तो 6 से लेकर के 11 तक अभी भगवान ये ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है ये गुणगान सही भी है लोक शिक्षा के लिए, लेकिन इसमें दूसरा मीनिंग है गहरा हो, वो वैष्णवों का ये बताता है। और श्रीधर स्वामी भी वही लिख रहे हैं, स्व गुणान अनुवर्णनम तु ब्राह्मणत्व उत्कर्षार्थम एव, ब्राह्मणों का उत्कर्ष दर्शाने के लिए ही गुणगान कर रहे हैं। तो हम आपके समान है क्या, हाँ वो बोलते हैं आप मेरे समान हो, मेरे समान ने आप मेरे से बड़े हो, तो ये यहाँ पर अभी मेरी प्रतिष्ठा आपसे आती है, सभी कुछ भगवान यहाँ पर बोले। तो 6 से लेकर के 11 तक ये श्लोक, यस्यामृतामलय श्रवणावगाह सद्य पुनाति जगदश्वपच विकुण्ठः सोऽहं भवद्भिरुपलब्धसुतीर्थकीर्तिं छिन्द्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिम्। अभी हाँ ठीक है, एक पढ़ लीजिए प्रभु श्याम भजन को, ये श्लोक अगला श्लोक से दूसरा से। संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चांडाल भी, जो कुत्ते का मांस पकाकर और खाकर जीता है, वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है। यदि वह मेरे नाम, यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है, अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है। अतएव मैं अपनी ही भुजा को काटकर
करने में तनिक संकोच नहीं करूंगा यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर यस्यामृता अमला यशः श्रवणावगाह, जिसका अमृतमय अमल जो यश है इसमें कोई गोता लगाता है। अवगाह मतलब प्रभुपाद लिखे स्नान करता है, गोता लगाता है श्रवण कान के द्वारा का क्या होता है, सद्य पुनाति। और कैसा आदमी जगदा स्वपच जो कुत्ते को पका करके खाता है, वो भी अगर मेरा यश सुनता है और उसमें गोता लगाता है। देखो एक होता है गोता लगाना, मतलब एक गहरी बात हो, तो सद्य पुनाते हो शुद्ध हो जाते। लेकिन ये शक्ति आई कहाँ से? सो अहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति, जो मेरी कीर्ति है वो एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल कैसे हुआ है? आपकी वजह से, आपकी कृपा से भवद्भ्य उपलब्ध, आपकी कृपा से मेरे को ऐसी कीर्ति प्राप्त हुई है जो एक तीर्थस्थल का काम करती है और किसी को भी शुद्ध कर सकती है जो वो तीर्थ में गोता लगाता है। लेकिन ऐसे आपको अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो मैं अगर मेरा हाथ भी है ना, तो वो मैं काटने के लिए तैयार हूं अगर वो प्रतिकूल हो रहा है आपको, क्योंकि आपकी कृपा से ये सब हो रहा है। तो ऐसा छिंद्याम स्वबाहोपि, अगर वह प्रतिकूल, अगर वो प्रतिकूल है, तो मैं मेरे दो हाथ भी काटने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पर भाव ऐसा है कि एक होता है अहमता और एक ममता होता है। देखिए तो जय विजय है उनके सेवक स्वपुंबी, मेरे मेरे सेवक, और यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, अहमता। तो अहमता और ममता में सबसे मुश्किल क्या होता है त्याग करना, अहमता या ममता? बोले अहमता, अहमता, अहंता बोल रहे हैं क्या, ममता बोल रहे, कौन सा? अहमता। अहमता, बिल्कुल सही। अहमता बहुत गहरा होता है। तो यहाँ पर भगवान का भाव ऐसा है, विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिख रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि देखो मैंने तो एक्चुअली, मेरा ही गलती है, तो वो मेरे लोगों ने अपराध किया और फिर मैं तो अभी मेरे हाथ काट नहीं सकता, तो मुझे कृपया माफ कर दीजिए, ऐसी ऐसा भाव है यहाँ पर ये श्लोक में एक बाहरी रूप से। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये सद्य पुनाति हरि कथा का शक्ति इत्यादि सब बताते हैं। तो और प्रभुपाद जी स्वपच स्वपच को भी हरि कथा शुद्ध कर सकती है, उसका भी वर्णन करते हैं। भगवान की अपने भक्तों के ऊपर जो विशेष आसक्ति होती है उसका प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, जो व्यावहारिक रूप में उसका हम सोच सकते हैं, तो उसका ही वर्णन है कि कैसे है। यदि मानव समाज के सदस्य कृष्ण भावनामृत स्वीकार ले, तो उनका वास्तविक शुद्धिकरण हो सकता है। तो वो कोई भी हो, स्वपच से लेके ब्राह्मण कोई भी हो, कैसा भी व्यवहार वाला हो, कैसा भी समाज का उसका पार्श्वभूमि हो, फर्क नहीं पड़ता। स्त्री शूद्र द्विज बंधुणा या ये पाप योनि हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जैसा कि इस श्लोक में और भगवद गीता में कई स्थानों पर कहा गया है, तो ये 30 से लेके 32 में करेक्ट, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अन्यभा। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पर उद्धृत करके बोल रहे हैं कि वो तुरंत शुद्ध हो जाता है अगर वो भगवान का आश्रय लेता है, शुद्ध भक्त का आश्रय लेता है, तो वो कोई भी हो तो वो तुरंत शुद्ध हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पर स्पष्ट किया गया है जो भगवद गीता में बताया है, क्योंकि ये भगवान का एक भाव है कि यहाँ स्पष्ट किया गया है कि चाहे मनुष्य सुंदर आचरण का न हो, किंतु वह केवल कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह साधु स्वभाव वाला समझा जाता है। तो यह अपिचेत्सु दुराचारों का जो श्लोक है उसका और वर्णन करते हैं। तो जब भौतिक जगत में आदमी रहता है, तो उसको एक व्यवहारिक
कार्य होता है और एक आध्यात्मिक कार्य होता है। तो कभी कभी वो गलती कर सकता है, लेकिन तो भी उसको सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में हम जब तक रहते हैं तब तक भौतिक शरीर का प्रभाव पड़ेगा। तो कभी कभी अगर किसी से एक्सीडेंटली अनावधानी से कुछ गलती भी हो गया भक्त से, लेकिन भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। तो वही उसको वर्णन प्रभुपाद जी वो सद्य पुनाति स्वपचा को और विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि यदि चंडाल परिवार में उत्पन्न हुआ व्यक्ति कभी कभी अपने स्वभावगत कार्य करता देखा जाता है, लेकिन भक्त भक्त फिर भी उस चंडाल नहीं समझा जाता। दूसरे शब्दों में वैष्णव का मूल्यांकन उससे शरीर के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बात है इधर। तो और फिर बाद में वो ये कैसे अपराध है ऐसा बताते कि वैष्णव को जाति बुद्धि से नहीं देखना चाहिए इत्यादि अर्च विग्रह। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम कोई जब भक्त भक्ति ये विधि को ग्रहण करता है तो हमने उसको ज्यादा बाहरी रूप से नहीं देखना चाहिए। यही भक्ति रसामृत सिंधु में 6वें श्लोक में शिल रूप गोस्वामी बता रहे, क्या बता रहे, दृष्टे स्वभाव जनित वपुषश्च दोषे, मतलब न प्राकृतत्व इव भक्त जनस्य पश्यत। कि दृष्टे मतलब स्वभाव जनित दोष या वपु दोष, ये दो प्रकार के दोष हैं। भौतिक जगत में भौतिक शरीर में दो प्रकार के दोष हो जाते हैं। वो क्या है, एक वपु में दोष, किसी का आंख नहीं है, पैर नहीं है, नहीं तो पाप योनि में जन्म लिया, ये वपु का दोष हो गया, ठीक है। स्वभाव जनित दोष मतलब वो ज्यादा क्रोधित होता है, ज्यादा समझ रहे, ये स्वभाव का दोष है, थोड़ा आंतरिक दोष है। ये दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ये दोषों को दृष्टे मतलब देख करके, अगले लाइन में क्या बोल रहे हैं, दृष्टे स्वभाव जनित वपुषश्च दोष है न प्राकृतत्वम यह भक्त जनस्य पश्यत। लेकिन उसको हमने भौतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, यह मतलब ये भौतिक जगत में, भौतिक जब तक भक्त भौतिक जगत में है तब तक ये दोष रहेंगे। हमने उसको क्या देखना चाहिए, वो भक्ति कर रहा। और फिर वो उदाहरण देते हैं ये श्लोक में, क्या उदाहरण देते कोई बताना चाहेगा, यही श्लोक के लास्ट दो लाइन में एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और क्या उदाहरण देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, आपने श्रवण किया होगा, क्या उदाहरण देते कोई बताएं। उसका नाम तो बताना चाहें नहीं तो कोई और। हाँ प्रभु जी, वो जो गोस्वामी है वो एक पंगु व्यक्ति थे, उनके ऊपर हंस रहे, वही उदाहरण। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो श्लोक है 6वां श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु, नहीं सॉरी एनओडी एनओआई एनओआई भक्ति रसामृत सिंधु ने उपदेशामृत का, वहां पर क्या उदाहरण दिया है कि भक्तों का स्वभाव जनित दोष या वपु का दोष नहीं देखना चाहिए, उसको भौतिक नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो भक्त है। उसके लिए क्या उदाहरण दिया दूसरे लाइन में, गंगा का उदाहरण याद है किसी, जैसे गंगा गंगा में कीचड़ और बुलबुले आते हैं तो हाँ गंगा का पानी फिर भी पवित्र रहता है, बिल्कुल सही। और कोई आचार्य का, कोई शुद्ध भक्त का शरीर यदि पंगु है या कुछ विकलांग है तो हम उसे दोष ना देखे और उनके शुद्धता को समझे। हाँ तो ये सिर्फ शुद्ध भक्त के लिए है ना, बाकी भक्तों के लिए नहीं। तो ऐसा नहीं है, भक्त जनस्य पश्चेत भक्ति मतलब सिर्फ शुद्ध भक्त का नहीं, शुद्ध भक्त का दोषों को ना देखना बहुत आसान होता है, क्योंकि पहले हम बोल देते हैं शुद्ध भक्त है, उधर ही हमारा चश्मा बदल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, जब हम शुद्ध होने वाले भक्तों को देखते हैं। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, उसको मत देखिए, देखो गंगा जी फ्लो हो रही है ना, तो वो फ्लो में कुछ
घंटे बाद, कुछ महीने बाद सब शुद्ध होने वाला। वैसे ही अगर ये भक्त भक्ति के क्रिया में लगा हुआ है तो ये कोई भी हो, ये शुद्ध होने वाला। तो यही यही बात प्रभुपाद जी यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं, और रूप गोस्वामी भी हमें वही बोल रहे हैं। तो हालांकि ये श्लोक जो है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुद्ध भक्त के बारे में है। भक्त जनस्य पश्यत, यहाँ पर शुद्ध भक्त जनस्य पश्यत ऐसा नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे बाहरी रूप से हमने नहीं देखना चाहिए, और देखना नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि दृष्टि मतलब दिखता ही है वो, लेकिन हमें उसको प्रतीत वैसा नहीं करना चाहिए। समझ रहे आप? मतलब आप एक देखते हो कुछ, और देखने के बाद फिर विचार करके बोलते हो कि भाई ठीक है, ये बुदबुद है, फेन है, इसको बाजू करो, अंदर देखो कितना बढ़िया है ये, इसमें गोता लगा के शुद्ध हो जाओ। तो वो भक्त का हम सही तरह से संग कर सकते हैं। अगर हम वो बुदबुद को नहीं देखेंगे, उसको बाजू में करके नहाते हैं ना आप गंगा में, तो वैसा है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी वही है कि हालांकि कभी स्वभावगत कार्यकर्ता देखा जाएगा चंडाल वाला, लेकिन चंडाल नहीं समझना चाहिए उसको, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है ऐसा। तो निष्कर्ष यह है कि कोई पूरी गंभीरता के साथ कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह पहले से शुद्ध हुआ माना जाता है, और श्री कृष्ण उसे सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने हेतु तैयार रहते। तो देखिए कृष्ण तैयार है और हम लोग उसमें फायर ये कर। यहाँ पर भगवान विश्वास दिलाते हैं कि वे अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करने के हेतु तैयार है, चाहे उन्हें अपने शरीर के एक अंग को काट फेंकने की आवश्यकता क्यों ना हो। तो ऐसी बात है। तो यह अहंता और ममता का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो श्लोक संख्या 7, यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्यक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीविरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रक्षालवार्थ इतरे नियमान वहन्ति। हाँ, कोई माता जी पढ़ेंगे अभी? किसने हाथ पर किया था ना बीच, पढ़ेंगे माता जी? जी प्रभु जी, मैं पढूं। हाँ पढ़िए। श्री भगवान ने आगे कहा, चूंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं, और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं, यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है और अन्य लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंचमात्र कृपा पाने हेतु भी पवित्र व्रत रखते हैं। हरि बोल। हाँ हरि बोल। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो प्रभुपाद जी बोले क्योंकि अपने भक्तों का सहाय। तो ये यत सेवाया मतलब ये ब्राह्मणों की सेवा करके, ठीक है। यत मतलब जो ब्राह्मण है, पिछले श्लोक में चरण पद्म पवित्र, उसकी वजह से आपकी सेवा के कारण मुझे शुद्ध करने की शक्ति मिली। सद्यक्षेता खिलमलम प्रतिलब्धशीला, तो मेरे चरण पद्म के जो रेणु हैं वो तुरंत शुद्धता देने में शक्ति रखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपकी सेवा में लगा हूं। तो ये एक बात। और दूसरा क्या है, मेरे को ऐसा स्वभाव प्राप्त हुआ है कि लक्ष्मी जी हालांकि मैं उससे विरक्त हूं, लेकिन वो मेरे चरण कमल का सेवा छोड़ती नहीं है, क्योंकि मैं आपका सेवा करती। ऐसा स्वभाव मुझे प्रतिलब्धशीलम मतलब मैं ये सब क्यों हुआ है, यत सेवा है, आपकी सेवा का। तो और ऐसी जो लक्ष्मी है वो मुझे तो छोड़ती नहीं है, लेकिन उसका कृपा प्राप्त करने के लिए बाकी सब लोग नियमान वहन थी। प्रेक्षा लवार्थ मतलब उनका उनका थोड़ा एक कृपा कटाक्ष, कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे विधि विधानों का पालन करते हैं, लेकिन वैसी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपके सेवा में लगा। तो ऐसे वो ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी अगर आप देखोगे यहाँ पर वो वैष्णव और ब्राह्मण को एक ही लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मण का वर्णन है वो वैष्णव ब्राह्मण ही है, इसलिए वो डायरेक्ट अपने भक्तों का सहायक हो ऐसा वो बोल रहे। तो ये समझ है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए ये चार कुमारों का गुणगान करे कि आपकी सेवा की वजह से
मेरे को शुद्ध मेरे चरण कमल की रज को शुद्धता देने की शक्ति और मेरा स्वभाव लक्ष्मी को आकर्षित करता है, ये सब आपकी सेवा के लिए, ऐसा वो बोल रहे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर भगवान और भक्त का संबंध के बारे में बताते हैं जी। भगवान तथा उनके भक्त के मध्य का संबंध दिव्य रूप से सुंदर है। मतलब क्या ये सुंदरता, मतलब प्रेम, मतलब क्या कि वो एक दूसरे को खुद कभी उसका क्या बोलते क्रेडिट नहीं लेते। तो जिस तरह भक्त सोचता है कि भगवत भक्त होने के कारण वह समस्त गुणों से सुमन्नत है, उसी तरह भगवान भी सोचते हैं कि सेवक के प्रति उनके समर्पण के कारण ही उनकी सारी दिव्य महिमाएं बढ़ गई है। तो प्रभुपाद जी उसका डायरेक्ट अर्थ ले रहे यहाँ पर कि भाई भगवान का भाव ये सही है। भगवान बोल रहा है मेरा जो शक्ति है वो भक्तों से आ, और ऐसा वास्तविक भगवान 11वें स्कंद में बोलते हैं उद्धव। बहुत ही सुंदर श्लोक है, निरपेक्ष मुनिम संतम निर्वैर सर्व निर्वैरा निरपेक्ष मुनिम संतम निर्वैरा सर्वभूत अनुव्रजाम्य अहम नित्यम पूयेत अंग्री रेणुभिः, कि मेरे ऐसे विशेष गुण वाले जो भक्त है निरपेक्ष मुनि संत निर्वैरा इत्यादि, वैसे अनुव्रजाम्य अहम नित्यम मैं उनके चरण चिन्ह पे चलता रहता हूँ हमेशा। पूये यत अंग्री रेणु भी, क्योंकि उनके चरण कमल की धूलि मुझे शुद्ध करती। तो वहां पर वो डबल मीनिंग नहीं बोल रहे, वो हृदय पूर्वक सच्चे हार्ट से बोल रहे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वही सिद्धांत को उद्धृत कर रहे। दूसरे शब्दों में जिस तरह भगवान की सेवा करते हैं तो भक्त सदैव उत्सुक रहता है, उसी तरह भगवान भक्त की सेवा करने में उत्सुक होते हैं। तो ये उनमें प्रेम का विशेष सुंदरता है जो वृंदावन में सबसे उत्कृष्ट स्तर पे सबसे घनिष्ठ संबंध प्रस्तुत होता है। तो यहाँ पर वही वर्णन है, यहाँ महानता अपने भक्त के लिए उनके स्नेह के कारण ही है। इसी स्नेह के कारण लक्ष्मी उन्हें छोड़ती नहीं, और एक नहीं हजारों लक्ष्मी आकर ऊपर जी। श्री भगवान भक्त की किसी भी असुविधा को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे भक्तवत्सल रूप में विख्यात है। तो ऐसे ये डायरेक्ट मीनिंग को प्रभुपाद लेके उसको उसमें भगवान का गुणगान कर रहे हैं भक्तवत्सल लेके। तो आगे अभी बोल रहे हैं कि भाई देखो हे कुमारो, आपके सेवा की वजह से मेरे को ये प्राप्त हो रहा है, आपकी वजह से मेरे को कीर्ति प्राप्त हुई है, और मेरी प्रसन्नता भी जब आप प्रसन्न होते हो, आप अच्छा आपके मुख से बहुत अच्छा अन्न घी के साथ खाते हो, तब भी मैं ज्यादा संतुष्ट होता हूँ, ना कि यज्ञ में, यज्ञ भी मेरा मुख है। तो वो यहाँ पर बोल ना हम तथा दि यजमान विता विवेरता नहीं चोच तदप्लुत मदन भुक् मुखे न यद ब्राह्मण से मुखत चरितोनुघासम तुष्ट मय वह तई निज कर्म पाकई मदद। हरि बोल। यज्ञाग्नि में जो मेरे ही निजी मुखों में से एक है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। तो देखिए, तो ये भी सिद्धांत हमने भी सुना होगा, तो इसमें ऐसा नहीं कि क्या कुछ झूठ बोला जा रहा है। तो सिद्धांत क्या बताया जा रहा है कि भगवान ज्यादा संतुष्ट होते हैं वैष्णवों को खिला करके, हाँ वैष्णव ब्राह्मणों को, वही सिद्धांत है। तो ना कि जितना यज्ञ से जितना संतुष्ट होते उससे ज्यादा इससे होते, लेकिन ये कैसा ब्राह्मण है वो भी बताया गया है। देखिए तो यजमान मतलब वो यजमान द्वारा जो आहुति दिया हुआ जो अग्नि में, वो नहीं यद ब्राह्मण से मुखस चरतोनुघासम तुष्टस्य मय्य अविहितय निज कार्य पाकय। तो कैसा ये ब्राह्मण है जो खुद
कब संतुष्ट होता है? सभी कार्य मुझे अर्पण करने के जो संतुष्ट होता है, ऐसे ब्राह्मण को खिला के मैं ज्यादा संतुष्ट हूँ। तो ऐसी बात, ऐसा नहीं कौन सा भी ब्राह्मण तथाकथित ब्राह्मण, तो उसका एक गुण भी बताया है कि वो अपने निज कर्म पाक को मय्य अभिहित ही पूरा का पूरा मुझे समर्पित कर देता है। ऐसे ब्राह्मण को खिलाने के बाद मैं खुश हो जाता। तो ये बात है इधर बताई गई। तो प्रभुपाद जी भी वही वही भाव इधर व्यक्त करते हैं कि भगवत भक्त या वैष्णव भगवान को अर्पित किए बिना कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते। तो कार्य कार्य हर एक कार्य भी अर्पण करते। और फिर प्रभुपाद जी खाद्य वस्तु के बारे में भी बोलते, क्योंकि वैष्णव अपने सारे कर्मफल भगवान को अर्पित कर देते हैं, इसलिए खाद्य वस्तु का के स्कोप ही नहीं है कुछ खाने का दूसरा, भगवान को ना अर्पित कर। तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे, और आगे वही बोल रहे कि किंतु यहाँ पर कहा गया हुआ है कि ब्राह्मण तथा वैष्णव के मुख की भेंटों को और अधिक स्वाद से स्वीकार करते, अधिक स्वाद तो यज्ञ में भी स्वीकार करते हैं, लेकिन इसमें अधिक स्वाद से स्वीकार करते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोलते हैं, ये वैदिक जो संस्कृति है उसमें गृहस्थ का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है एक्चुअली, वैष्णवों को ब्राह्मणों को अपने घर में खिला, ये बहुत बड़ा एक विधि होता है, दानम दमश्च यज्ञश्च। तो ये तीन जो गृहस्थ लोगों के जो कर्तव्य है, धर्म है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है उसमें। तो प्रभुपाद जी वैसे ही चैतन्य चैतामृत का उदाहरण देते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर को श्राद्ध पात्र का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया, जहां पर अद्वैत आचार्य ने सभी बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, सबसे बड़े ब्राह्मणों को। लेकिन बुलाया क्यों था? उनको दिखाने के लिए, देखो वैष्णव सबसे श्रेष्ठ है, हालांकि वो मोमेडियन परिवार में भी जन्म लिया है, लेकिन वो वैष्णव है, हमेशा हरिनाम लेता है, उसको मैं श्राद्ध पात्र का आदर दूंगा। और फिर हरिदास ठाकुर नम्रता में पूछे कि भाई आप ऐसा गलती क्यों कर रहे हो, मेरे को क्यों दे रहे हो? तो अद्वैत प्रभु बोले, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं शास्त्र के आधार पर कार्य कर रहा हूँ। आप वैष्णव हो, आपको खिला के 1,000 ब्राह्मणों को खिलाने के जैसा हो ऐसा। तो ये पूरा वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी। अद्वैत प्रभु ने कहा कि हरिदास ठाकुर को पहली थाली भेंट करके वो 1,00,000 ब्राह्मण को खिलाने का फल प्राप्त करते हैं, सोचो। तो ये दर्शाने के लिए लीला अद्वैत आचार्य ने किया, हरिदास ठाकुर का महिमा सबको सब जाने। तो निष्कर्ष यह ही है कि यदि कोई एक ब्राह्मण या वैष्णव को खिला सकता है तो यह लाखों यज्ञ करने से अच्छा। इसलिए इस युग में संस्तुति की गई है कि हरेर नाम अर्थात श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना तथा वैष्णवों को प्रसन्न करना ही मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के एकमात्र साधन है। तो देखिए, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही वह केवलम, ये हमेशा हम सुनते हैं और वह सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी दोनों चीजों को बोल रहे हैं कि कलयुग में ये दोनों चीज बहुत महत्व, वैष्णव सेवा, वैष्णव ठीक, और सेवा मतलब उनको जानना, उनका सराहना करना, उनको सेवा करके संतुष्ट करना, प्रसन्न करना, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वैष्णव को प्रसन्न करना। कभी कभी हम सेवा करते हैं लेकिन प्रसन्न करने के भाव से नहीं करते, तो प्रसन्न करना अलग बात होती है, सेवा करना एक अलग बात होती है। तो ये दो चीज बहुत जरूरी है। तो और अगर आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठाने के लिए एकमात्र साधन है, हालांकि दो चीज बोल रहे प्रभुपाद, लेकिन इसलिए वैष्णव सेवा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैष्णव सेवा मतलब सेवा ऐसी की जाए कि वो वैष्णव प्रसन्न हो। बहुत बार कभी कभी मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ, कभी कभी हम सेवा दी गई है इसलिए करते, लेकिन उसको प्रसन्न करने के हेतु भी करना चाहिए। जैसे प्रसाद हम सर्विंग कर रहे हैं आप साथ सामने, तो प्रसन्न कैसे कर सकते हैं उसको कि भाई उसको जितना चाहिए उतना देना है ऐसे। तो ये हर एक इसमें हम विचार कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चीज है। तो ये तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही
स्पष्टता से बोलते हैं, जो प्रभुपाद जी पहले बोल दिए कि यहाँ पर जो गुणगान हो रहा है वो वैष्णव ब्राह्मण का गुणगान हो रहा है, ना कि ऐसा ब्राह्मण जो वैष्णवों को तिरस्कार करता है वैसे ब्राह्मण का गुणगान यहाँ पर नहीं हो। तो यहाँ पर एक श्लोक का उदाहरण दे रहे हैं, श्वपाकम इव नेक्षेत लोक विप्रम अवैष्णवम। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है, इसका क्या अर्थ है, जैसे श्वपक को आपको अगर आप देख लेते हो तो उसका मुख भी नहीं देखना चाहिए, जैसे वैसे ही कोई अवैष्णव है उसका भी मुख नहीं देखना चाहिए। तो उसका अर्थ क्या है इधर, ब्राह्मण कुल में जन्मा कोई व्यक्ति भक्त नहीं है इसको अवैष्णव बोला, तो उसका भी मुख नहीं देखना चाहिए। तो इस प्रकार विरोधाभास से बचा जा सकता है। इस संदर्भ में अवैष्णव का अर्थ है वह व्यक्ति वो वैष्णव से घृणा करता है, तो ऐसे लोगों को देखना भी नहीं चाहिए, तो खिलाने का बात ही नहीं होता। तो फिर वो बोलते हैं देखो वशिष्ठ मुनि जैसे धार्मिक ब्राह्मण है लेकिन उनमें थोड़ा भक्ति है, तो वो ऐसे लोगों ये घृणा नहीं करते वैष्णव का, तो इनको भी खिला करके भगवान संतुष्ट होंगे। और नारद मुनि जैसे शुद्ध वैष्णवों को खिला करके तो भगवान बिल्कुल संतुष्ट होंगे। ऐसे दो कैटेगरी के भक्तों का वर्णन करते हैं, जो वैष्णव ब्राह्मण है वैसे। तो ये मिश्र है जो धार्मिक है लेकिन भक्ति भी है उनमें, वशिष्ठ मुनि जैसे यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोल रहे, और नारद मुनि, ना कि ऐसे वैष्णव जो ऐसे तथाकथित ब्राह्मण जो वैष्णवों की निंदा और घृणा करते हैं उनको देखना भी नहीं चाहिए, तो वही यहाँ पर स्तुति हुई है। तो ये आगे बोलने के बाद अभी आगे बोल रहे कि भाई ठीक है, आपकी धूलि मेरे सिर पर, उसकी वजह से मुझे समृद्धि और शक्ति धारण होती, येषां बिभर्मि अमखंड विकुंठ योगा माया विभूतिरमलांग्रिरजक किरीटैः विप्रांस्तु को न विषहे तयदर्हणाम्भः सद्यः पुनाति सह चंद्रललामलोकान्। आप पढ़िए भाषण से। मैं अपने अबाधित अंतरंग की शक्ति का स्वामी हूँ तथा गंगा जल मेरे पांव को धोने से निकलता हुआ जल है। वही जल जिसे शिव अपने सिर पर धारण किए हुए हैं उनको तथा तीनों लोकों को पवित्र करता है। यदि मैं वैष्णव के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण करूं तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा? तो देखिए अगर आप प्रभुपाद जी का भाषांतर पढ़ेंगे तो वो डायरेक्ट मीनिंग है, ठीक है, लेकिन इधर भाव ऐसा है। देखिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते कि ब्राह्मण के द्वारा किए गए अपराधों को सहन कर लिया जाना चाहिए, न कि सुधारा जाना चाहिए। गलती करने वाले ब्राह्मण को कौन बर्दाश्त नहीं कर सकता, सभी लोग करेंगे। अपनी तर्जनी से अपना मुकुट दिखाते हुए वह उन लोगों से बात कर रहे हैं जो पूछते हैं कि वह ऐसा क्यों करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भः, विप्रांस्तु विषहेत मतलब कौन इनको सहन नहीं करेगा। विषहेत मतलब देखो पहले अध्याय में आता है ना, ये पहले विषहेत धीरः, ये छह वेगों को जो सहन करता है, जो सहन करना है, तो कौन नहीं सहन करेगा जो सभी को शुद्ध करती है। तो आपकी धूलि मेरे, मैं ऐसी धारण करता हूं, देखो ये सबको दिखा रहे हैं अपनी तर्जनी से कि ब्राह्मण ने अपराध भी कर दिया ना तो भी उसको सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो मैं भी करता हूं, क्योंकि क्यों, क्योंकि उनकी चरण धूलि मैं मेरे सर सर पे लेता हूं। तो वो भाव यहाँ पर है, अमल अंग्री जहा किरीटई विप्रास्तु को न विषय। तो ऐसा भगवान तर्जनी को दिखा के बोल रहे हैं कि कौन बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसे ब्राह्मणों को, जो अपराध कर चुके हैं उनको करेक्शन नहीं देना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे को भी शक्ति प्रदान करते हैं।
तो वो क्यों करते हैं वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। येषां विभर्मि, मतलब मैं देखो ये पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत जो अखंड विखुंड योग माया विभूति से पूरा भरा हुआ है, ये पूरा मैं चला रहा हूँ। विभर्ति मतलब धारण करता हूँ। कैसे? हमारा अंग्री रज धूलि रज किरीटई, ये उनकी धूलि लेने से ये सब कर रहा हूं। तो ऐसे ब्राह्मणों को कौन सहन नहीं कर, ऐसा वो बोल। ठीक है, तो ये भाव है इधर, तो ऐसा यहाँ पर उनका ये हो रहा, गुणगान हो रहा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इसका ही वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान अखंड विकुंठ योग माया विभूति के द्वारा अपने ये भौतिक आध्यात्मिक जगत को धारण करते। तो वो भौतिक आध्यात्मिक जगत का तुलना करते हैं और वो प्रतिबिंब है इत्यादि वो सब बताते हैं। भौतिक जगत अंतरंग शक्ति, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत बहिरंग शक्ति के द्वारा। तो अखंड मतलब वो स्पेस से सीमित नहीं है, और विकुंठ मतलब समय से। तो माया यहाँ पर शब्द आया, तो माया योग माया के द्वारा, तो योग माया मतलब आध्यात्मिक जगत में भौतिक जगत में महामाया, तो वही वर्णन है शुरुआत में आप देख सकते हैं। माया उन वस्तुओं का द्योतक है जो वास्तव में तथ्य नहीं। भौतिक जगत का ऐश्वर्य प्रतिबिंबित ऐश्वर्य होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत उस वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की छाया है, असली ऐश्वर्य तो आध्यात्मिक जगत में रहता है। तो योग माया का जो शक्ति है वो आध्यात्मिक जगत में होता। जब भगवान स्वयं ही वैष्णव तथा ब्राह्मण को इतना आदर प्रदान करते हैं, तो फिर इन पुरुषों को ऐसा आदर प्रदान करने से कौन इनकार कर सकता है? तो यहाँ पर वो भाव जो बोल रहा था मैं व्यक्त किया है, तो ये बात है। तो इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर और स्पष्ट करते हैं, देखो मैं जिस चरणों का जल समस्त लोगों और शिव को भी पवित्र करता है, क्योंकि वो मेरा चरण जल शिव जी के सर को जाता है, अपने सिर पर ब्राह्मण की धूलि धारण करके करने की कृपा से अप्रतिबंधित शक्तियों का धन बन गया। ऐसे भगवान, जो व्यक्ति ब्राह्मण की धूलि को सिर पर लगाता है उसके चरण का जल ग्रहण करना चाहिए, ये उनका भाव है। ऐसा किरीट दिखा के बोल रहे हैं, जो ब्राह्मण का सेवा करता है उसका चरण का जल लेना चाहिए, ऐसा ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं। तो ये हो गया 9वां श्लोक। 10वें श्लोक में और आगे जाते हैं, अगर कोई ब्राह्मण बहुत कटु वचन भी बोल जाता है, क्रोधित वचन और अपराध करता है, लेकिन जो आदमी उसको सहन करके और बहुत ही मधुरता से उससे प्रस्तुत होता है, ऐसे लोगों द्वारा मैं नियंत्रित होता। देखिए कैसा गुणगान है, मैं उन लोगों को तो दंड देता हूँ जो तुम्हें और मुझसे अलग देखते हैं। तो ये एक बात है, उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो ब्राह्मणों के अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पिछला श्लोक है, जो मेरे और ब्राह्मणों के बीच अंतर देखते हैं वो नरक में जाते हैं। तो ये श्लोक में बताया, ये वाले श्लोक। तो मेरे और गाय, गाय भी आता है, ये मैं तनुर्द्विजवरा दुहतीर मदीया भूतान भूतान्यलब्ध शरणानि च भवेद बुद्ध्या दक्षंत दक्ष तदृशो यमा न्यवस्तान गृद्धारुषा मम कुशंति दंड नेतु। बड़ी ब्राह्मण गायें तथा निस्सहाय प्राणी मेरे ही शरीर हैं। जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने खुद के पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। वे क्रुद्ध सर्पों के समान हैं और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गीध जैसे दूतों की चोंचों से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। तो एक्चुअली मैं जो पहले बताया वो अगला श्लोक है। ये श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि जो लोग ये भेद बुद्धि से देखते हैं, ब्राह्मण और मुझ में अंतर देखते हैं, गैया और मुझ में अंतर देखते हैं, या जो
अलब्ध शरण लोग हैं, जो जीव है जिनको शरण नहीं, जैसे स्त्री, वृद्ध, बच्चे इत्यादि 5 चीज। उनको अगर कोई भेद बुद्धि से देखता है तो उनको मैं दंड देता। और कैसे, उसका भी वर्णन किया है। कैसे, जो यमदूत है, जैसे गृद्ध होता है, गिद्ध जैसे उसको नोचते हैं, ऐसा दंड मैं उनको देता हूं। तो वैसा यहाँ पर बोला जाए कि जो आप ब्राह्मण और मुझ में अंतर देखते हैं ना, वैसे लोगों को मैं दंड देता हूँ। जैसे गिद्ध कैसा देते हैं वो भी बहुत ग्राफिकली बता रहे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये वैदिक सभ्यता के बारे में बताते हैं, कैसे ये 5 चीजों को संरक्षण दिया जाता था। तो ये पूरा भूतानि अलब्ध शरणानि के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे कि ये 5 चीज, गाय, ब्राह्मण, स्त्रिया, बच्चे और वृद्ध पुरुष, ये निस्सहाय लोग है, ये हमेशा सुरक्षितता देने के योग्य है, बाकी सभी ने इनको सुरक्षा देनी चाहिए। तो फिर और लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्राह्मण और गाय, तो उसका वर्णन इधर हुआ है क्योंकि वो ब्रह्मण्य देव या गोविंद जाने जाते, तो इनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और दुहित्री, तो गाय को सूर्य देव की पुत्री भी बताया गया, तो यहाँ पर दुहती और दुहित्री दोनों शब्द आते हैं, उसका भी वर्णन प्रभुपाद जी ने किया है। तो असहाय लोग हैं, उनको उनकी देख रेख उनके अभिभाविकों द्वारा, मतलब जो लीडर्स है, वो करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो यमराज द्वारा दंडित किए जाएंगे। तो ये कर्तव्य है, क्योंकि यमराज भगवान द्वारा पापी प्राणियों के कार्यकलाप का निरीक्षण हेतु नियुक्त है। तो ये बात है, और बाद में उसका वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली है। देखिए ये 5 चीजें जो है, ये अत्यंत आवश्यक है हमारे समाज के प्रगति के लिए, और ये भगवान विष्णु की रख रखाव प्रणाली है, मेंटेनेंस सिस्टम ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विष्णु। तो सबसे पहले मेंटेन किसको करना चाहिए, ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि वो किसकी व्यवस्था बनाए रखता है, प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन की व्यवस्था होती है ना, एक सिस्टम जिससे सभी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े, ये कौन कर सकता है, एक वास्तविक वैष्णव ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि वो वर्णाश्रम और शिक्षा प्रदान करता है, जो सही वैदिक शिक्षा है वो, तो ये आदमी कर सकता है, इसलिए इसको बनाए रखना चाहिए। गायों को बनाए रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा भी दी गई, लेकिन उसका ग्रहणता नहीं हुई तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये ग्रहणता बुद्धि में आती है गाय का दूध पीने से, तो वो जरूरी है। और ये ग्रहणशीलता कब तक बनी रहेगी, जब समाज स्वच्छ है, और स्वच्छता मतलब वो कौन बनाए रख सकता है, जो है महिला, सती महिला रहेगी, वो समाज की पवित्रता को रखती है। महिलाएं जिनको संरक्षण दिया गया, सती रहेगी तो पूरा समाज पवित्र रहता है, ना कि एक आदमी। एक आदमी पवित्र रखने के लिए वो खुद कार्य कर सकता, समाज की पवित्रता का बात हो। और फिर बूढ़े और बच्चे, तो उनके लिए उज्जवल भविष्य बना बना सकते हैं। और जैसे जो वरिष्ठ वैष्णव है, उनका अनुभव वो प्रशिक्षण दे सकते हैं, और मृत्यु के लिए तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ये पूरा समाज का व्यवस्था भगवान करते हैं, ये प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में लिखे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, कौन से भी एक समाज है, कोई मंदिर का, तो इसमें ये सब चीज होना चाहिए, तभी हम भगवान के करीब जा सकते हैं, भगवान को खुश कर सकते हैं। और ये श्रृंखला का या 11वां श्लोक है, आखिरी श्लोक। तो ये वाला मैं जो बोल रहा था कि मैं उन लोगों द्वारा नियंत्रित हूँ जो उन ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने अपराध किया है या कटु वचन बोल दिया है, लेकिन उससे भी अधिक उनको प्रसन्न करते हैं। मतलब मैं उन लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता हूँ जो कठोर शब्द बोलने वाले ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। सोचिए, तो ये है, ये ब्राह्मणान्मयि धिया क्षिपतोर्यचन्त अर्चन्त स्तुष्यद्भवदस्मित सुधो क्षिपपद्मवक्त्राः वाण्यानुरागकलयात्मजवद्गृणन्तः संबोधयन्त्यमिवाहं पार्थैस्तैः।
दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से आलोकित अपने मुख से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। वे ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं और अपने प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने खुद पिता को प्रसन्न करता है, या जिस तरह मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूं। दंडवत तो प्रणाम। देखिए भगवान का बोल ही कितना गहरा है। देखिए अभी वो कैसे कैसे ये साइड में आ रहे हैं। देखो तो यहाँ पर ऐसा बर्ताव किसने किया। देखो जय विजय क्रोधित हुए थे लेकिन उन्हें कटु वचन बोले गए, एक भी वचन नहीं बोला उन्होंने, लेकिन कटु वचन बोले किसने, कुमारों ने। लेकिन नम्रता किसने दिखाई, जय विजय। तो भगवान ऐसे लोगों से प्रिया प्रिय और डायरेक्ट बोल रहे, देखो मैं आपको अभी सांत्वना करना, ऐसा बोल रहे। तो यहाँ पर थोड़ा ये प्रकट हो रहा है डायरेक्ट रूप से कि मैं ऐसे लोगों को, ऐसे लोग द्वारा मैं क्या, मैं उनके हाथ में कठपुतली हूँ, ऐसा बोल रहे कि जो सभी परिस्थितियों में सम्मान पूर्वक आप ब्राह्मणों की सेवा कर दे, भले आप कभी क्रोधित वचन बोल दे, कटु वचन बोल दे, लेकिन ये लोग आपसे बहुत नम्रता से ही बात करते हैं हमेशा, जानते हुए कि भाई ठीक है ऐसा है। तो जब ब्राह्मण या वैष्णव क्रुद्ध होकर किसी को शाप देते हैं तो शापित व्यक्ति ब्राह्मण या वैष्णव के साथ वैसा व्यवहार करने का भार अपने ऊपर नहीं लेता। इसके अनेक उदाहरण है, तो कुब नर कुबेर मणिकुंभ का, और यहाँ पर चार कुमारों द्वारा शापित जय विजय ने भी वैसा पेश नहीं आया ना, वो भी क्रोधित नहीं हुए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ब्राह्मणों तथा वैष्णव के साथ बर्ताव करने की यह विधि होनी चाहिए। कभी कभी ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, किंतु उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करके, मतलब क्या, अगर उसने कटु वचन, क्रोधित शब्द, कुछ बहुत ही हृदय स्पर्शी मर्मभेदी शब्द बोल भी दिए किसी वैष्णव ने, ब्राह्मण ने, लेकिन उसके साथ वैसा व्यवहार ना करके हंसकर तथा मृदु व्यवहार द्वारा उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण तथा वैष्णव को नारायण का पार्थिव प्रतिनिधि मानना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे। तो काफी सारे उदाहरण दिमाग में आते हैं, आपके सामने कुछ लिखे हैं, कोई बोलना चाहेगा। कहाँ, एक ब्राह्मण द्वारा कटु वचन बोले जाने पर किसी वैष्णव ने बहुत ही विशेष आदान प्रदान किया। कोई बोलना चाहेगा कुछ उदाहरण एक आध। ये सबसे, ये जो रिस्पॉन्स है इतना आसान नहीं है। दक्ष दक्षता दक्ष, कह हाँ सकते हैं। दक्ष और नारद मुनि, बिल्कुल वो तो बहुत अच्छा उदाहरण है। दक्ष, दक्ष भी ब्राह्मण है लेकिन नारद मुनि वैष्णव है, और वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल उल्टा बोले ही नहीं, उनको चले गए उधर से। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है HTGC, मतलब क्या, हरिदास ठाकुर और गोपाल चक्रवर्ती। तो वो पब्लिक में कटु वचन बोला हरिदास ठाकुर के सामने, लेकिन हरिदास ठाकुर ने कैसा उसका प्रतिसाद दिया, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं किया। हालांकि नाग वो बोला, मैं खुद मेरा नाक काट दूंगा। हरिदास ठाकुर नम्रता से बोले, अगर ये सही नहीं है तो मैं मेरा नाक काट दूंगा, लेकिन वो इतना कटुता से बोल रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर कभी उनसे अनादर नहीं किए। शिवाज ठाकुर गोपाल चप्पल, वही चीज है, कभी भी वो बोले देखो यही चीज मैं करता हूँ रात भर, नहीं तो तुकाराम महाराज है और वो एक ब्राह्मण जो आए थे ना, वो पूरा उनका गाथा को डुबा दिए, लेकिन तुकाराम महाराज उनको कैसे प्रस्तुत हुए कि भाई आप तो ब्राह्मण हो। तुकाराम महाराज कभी भी उनको अनादर नहीं किए, ये है वैष्णव। और फिर चैतन्य महाप्रभु, और नहीं क्या है, ऑफ कोर्स और बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये देखिए ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनका आदर होना चाहिए। इसका विशेष
देखो चैतन्य महाप्रभु ने भी अभी ये 7 दिन इनसे सुना ना, सार्वभौम भट्टाचार्य, वो भी अवैष्णव थे तभी, और वे ऑफकोर्स ब्राह्मण ही थे, और उन्होंने कटु वचन तो नहीं बोले लेकिन कड़वे वचन बोले, मतलब मायावाद वगैरह बोला, लेकिन पूरा आदर पूर्वक व्यवहार है उनसे। तो ये इस तो यही प्रभुपाद, इसका विशेष उल्लेख है कि ब्राह्मण को शांत करने के हेतु तो कमल जैसा मुख होना चाहिए। तो कमल जैसा मुख कैसा हो सकता है, जब स्नेह है वात्सल्य है तो ही हो सकता है। तो वही प्रभुपाद जी बोले, कमल जैसा मुख दिखता है जब मनुष्य प्रेम तथा वात्सल्य से अलंकृत हो। इस संबंध में पुत्र और पिता का क्रुद्ध होने तथा पुत्र द्वारा हंसीले हैंसले तथा मधुर शब्दों से पिता को शांत करने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। तो वैसे आदर से उनको देखना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। तो वही बात सुरेश्वरदास इधर हो गई। तो देखिए यहाँ पर दो मीनिंग है, और अभी लास्ट में वो उनका प्रेम दर्शा रहे हैं, देखो डबल मीनिंग द्वारा। तन्मे स्वभर्तुरवसायल क्षमाणौ युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमतां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचरितो भृतयोर्विवासः। भाई बोल। हाँ बोलिए। मेरे इन सेवकों ने, अरे श्री हरे कृष्ण, कुछ आवाज आ रहा है। कम आ रहा सुरेश्वरदास प्रभु आपला माइक अनम्यूट करा। है? हाँ पढ़िए माधु। मेरे इन सेवकों ने अपने स्वामी के मनोभाव को न जानते हुए आपके प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं इसे अपने प्रति किया गया अनुग्रह मानूंगा। यदि आप यह आदेश दें कि वे मेरे पास शीघ्र ही लौट आए तथा मेरे धाम से उनका निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। तो देखिए हरे यहाँ कृष्ण। पर क्या बोल रहे हैं कि भाई कृपया मेरे भूले हुए सेवकों को शीघ्र लाकर मुझे कृपा करें। तो देखिए भगवान इतने नम्रता से क्या बोल रहे हैं, मुझके ऊपर कृपा करो आप। क्या कृपा करें कि भाई ये मेरे लोग हैं ना, उनको जल्दी से, हालांकि आपके ऊपर उन्होंने अपराध किया है तो वो जाएं, लेकिन जल्दी से जल्दी मुझे वापस उनको संग दो। तो ऐसा वो बोल रहे हैं। तो मानो चार कुमार बोलेंगे, हे स्वामी, आप कहते हैं कि जो लोग ब्राह्मण का अपमान करते हैं वे आपके प्रति अपराध करते हैं, तो आप फिर उन दोनों के प्रति स्नेह क्यों दिखा रहे हैं इतना? अब भी आप बोले कि आप अपराध करते हैं ब्राह्मणों के प्रति, तो अब भी आप स्नेह क्यों दिखा रहे हैं? तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, अपने स्वाभाविक गुणों का त्याग करना संभव नहीं है। तो ये मेरा स्वाभाविक गुण क्या है, ये मेरे लोग हैं, मेरा स्नेह इनमें है, उनका स्नेह मुझ में है, ये मेरा स्वभाव है, ये इसको मैं नहीं त्याग सकता। तो ये अंत में उनका प्रेम दर्शा रहे हैं स्पष्टता से। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भगवान का वही गुणगान कर रहे। तो देखिए कितने भगवान जय विजय के लिए चिंतित है, हालांकि जय विजय ने कुछ अपराध कर दिया है, लेकिन भगवान ज्यादा चिंतित है उनको वापस लाने के लिए। तो इसलिए जय विजय का मामला जो है ये पतन नहीं है, ये आकस्मिक घटना है, और हम जानेंगे कि ये भगवान का प्लान है। तो वैकुंठ से कोई नहीं गिरता, यह स्वीकार करना होगा कि भगवान तथा भक्तों के मध्य में किस प्रकार की गलतफहमी की संभावना नहीं रहती। किंतु जब एक भक्त दूसरे भक्त के बीच कोई विभेद या व्यवधान आता है तो एक को परिणाम भोगना पड़ता है, यद्यपि यह कष्ट क्षणिक होता है। तो जय विजय को आना पड़ा लेकिन क्षणिक है वो। शिव भगवान अपने भक्तों पर इतने दयालु होते हैं कि उन्होंने द्वारपालों के अपराध का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और मुनियों से प्रार्थना की कि वे उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान करें जिससे वे जल्दी से जल्दी वैकुंठ धाम वापस आ सके। तो भगवान को विरह किससे हो रहा है, जय विजय से। तो ये उनका प्रेम यहाँ पर व्यक्त हो। तो ये सब सुन करके जो हमने 2 श्लोक शुरुआत में देखे, 12, 13 और 14, तो ये भगवान का वाणी है। तो ये पूरा डबल मीनिंग है, ठीक है।
तो दूसरा मीनिंग श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर देते हैं, तो उसका पूरा वर्णन तो मैंने नहीं किया, लेकिन ये तो ये 13 और 14 श्लोक हमने ऑलरेडी देखे कि ये लीला में क्या हमें सतर्क रहना चाहिए, ये सब बताया गया, और भगवान ऐसा क्यों कर, भगवान का प्रयोजन क्या है। तो ठीक है, 14वें श्लोक तक आ गए, तो कल हम ये अध्याय को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अभी किसी का कुछ प्रश्न या व्यक्त करना है तो कर सकते हैं, या किसी को जाना है तो जा सकते हैं, ऑलरेडी 9 बज गए हैं। अभिषेक मंत्र श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हाँ, कृष्ण नाम अपने नाम पे करके। हाँ गुरु जी, मुझे पूछना था कि जैसे कि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वैष्णव अगर क्रोधित भी हो जाए या फिर जो जो ब्राह्मण है वो क्रोधित भी हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन हम जहाँ तक भौतिक जगत में देखते हैं कि अगर कोई कोई वैष्णव उसका स्वभाव जो है अगर ज्यादा बार बार ये है क्रोधित हो जाता है तो उसे बाहर के लोग भी पसंद नहीं करते और जहाँ तक वैष्णव समाज है तो उन्हें उन्हें भी वहां पर पसंद नहीं किया जाता। या फिर ऐसा हो गया है कि जैसे जो लोग सत्य बोलते हैं मतलब कोई अधिकारी व्यक्ति है या जो भी है वो गलतियां करते हैं बार बार गलतियां करते हैं तो उन्हें बताने जाए तो उनको लगता है कि अरे ये भक्त जो है हमेशा गलती ही ढूंढता है। और जैसे कि संस्था का अगर कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या फिर जैसे कि कई जगह पर जैसे कि प्रचार के लिए पैसे का प्रॉब्लम आता है या प्रचार के लिए पैसा नहीं यूज करते लेकिन दूसरे अन्य चीजों में बहुत ज्यादा लक्ष्मी यूज करते हैं तो उस समय में उस स्थिति में वो वैष्णव ने क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए या कौन से उसने वाले आप बोल रहे हैं? ये दो वैष्णव है, ये समझ लो अधिकारी है, जो कुछ इनअप्रोप्रिएट व्यवहार कर रहा है, और ये वाला एक वैष्णव है। तो आप कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये वाला इससे कैसे डील करे, क्या ये वाला कैसे करना चाहिए? नहीं प्रभु जी, मुझे पूछना था कि जो नीचे वाला भक्त है जो जैसे कि वो सच बोल रहा है अधिकारी के बारे में लेकिन अधिकारी व्यक्ति है तो मेरा कहने का मतलब है कि जो नीचे वाला व्यक्ति है जो दोष देख रहा है लेकिन हालांकि वो दोष नहीं है वो है कि सच बोल रहा है। वास्तविकता है, आप बोल सकते। ही इज नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट डिवोटी लेकिन वो सत्य बोल बता रहा है, रहा ऐसे है आप कि बोल रहे हो। क्रिटिसिज्म तो हो जी सकता है ना उसमें, किसी का दोष बोलना मतलब निंदा होता है, बराबर। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि वो सत्य बोल रहा है, वो बना नहीं रहा, बना नहीं रहा है कुछ। तो उस वक्त वो डिवोटी ने मतलब वो बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए या फिर कैसे उनका व्यवहार हो जिससे उन दोनों के बीच में अगर मनमुटाव भी हो जाए तो वो सुधारने के लिए तो यहाँ पर जो परिवेश में भगवान बोल रहे हैं, वो ये आदमी को बोल रहे हैं, ये वाले आदमी को क्या बोल रहे हैं कि अगर ये कटु वचन बोले, विशेष रूप से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कटु वचन या क्रोध, ये चारित्र्य वगैरह का कुछ बोला नहीं जा रहा इधर, ठीक है ना? चारित्र्य या कुछ हैंडलिंग मनी एंड अदर्स, उसका बारे में बात नहीं हो रहा। ब्राह्मण लोग क्रोध के लिए जाने जाते हैं, वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई वो कटु शब्द का बोल भी दिए, लेकिन ये आदमी ने उसको आदर देना चाहिए और एकदम कमल के मुख जैसा उसको व्यवहार करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ओके ये प्रैक्टिकल श्लोक में विशेष रूप से लॉर्ड एंड डिवोटी, यस प्रैक्टिकल हाँ डीलिंग मतलब जैसे कि ये संस्था के बारे में कुछ है नहीं उसका संबंध में। हाँ डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हम उससे कुछ प्रिंसिपल ला सकते हैं, क्योंकि तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने थोड़ा लिखा है, बराबर ना, उधर के तात्पर्य में कि भाई उसको ये करना चाहिए ना।
हंस करके प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इधर, कभी कभी ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कई गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके साथ वैसा व्यवहार न करके हंसकर तथा मृदु व्यवहार द्वारा उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण तथा वैष्णव को नारायण के पार्थिव प्रतिनिधि मानना चाहिए। तो देखिए, एक बात होती है कि हम उधर से गलत व्यवहार होता है तो हम वैसा ही व्यवहार करके उसको बताते हैं कि ये गलत, तो इससे कुछ ज्यादा होता नहीं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई शांत होके मृदु व्यवहार से भी बोला जा सकता है कुछ चीज, ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही भाव से व्यक्त करना पड़े, तो उसके लिए ही हमें थोड़ा सोच विचार करके व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि इस जगत में गलती, जैसे रूप गोस्वामी का श्लोक उद्धृत किया ना मैं, दृष्टे स्वभाव जनितै वपुषश्च दोषै न प्राकृतत्व में यह भक्त जनस्य पश्य। तो ये भक्त जनस्य मतलब ये साधक भक्त और शुद्ध भक्त दोनों आ गए, तो उसमें वपु में दोष है और स्वभाव में दोष है, किसको नहीं है बताइए, सबको है। तो लेकिन उसको हमें कैसे देखना है, तो हम उसको अगर उसको साइड करके वो भक्ति कर रहा है ये देख करके हम अगर उसको सही तरह से व्यक्त कर सके, हमारा जो कंसर्न है जैसे आपने व्यक्त किया, तो कुछ वार्तालाप से कुछ हो सकता है। तो ये मैं कुछ व्यवहारिक सोच सकता हूँ, क्योंकि यही है भौतिक जगत में हमको कैसे आइडियल सिचुएशन रहेगा प्रभु जी, हमेशा अनआइडियल सिचुएशन रहेगा। तो हमारी तरफ से हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि हम सही तरह से व्यक्त करें, सही क्या बोलते हैं वो, हाँ, चैनल को फॉलो करके व्यक्त करें, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये भगवान का हमारे ऊपर, ये जगह पे मेरे को अगर भगवान चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे उनका सेवा करना है तो वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, या गुरुजनों को पूछ सकते हैं भाई ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पर मैं सेवा करूँ क्या, वो बोल रहे करो फिर तो सहन करो। तो ये मेरे कुछ विचार है प्रभु जी, अगर आपको व्यक्त करना है, आप ज्यादा अनुभवी है ये सब चीज में, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। नहीं प्रभु जी, मेरा कहने का मतलब था कि अगर बार बार अगर गलती हो रहा है तो उसके लिए, जैसे कि देखो सहन तो हर हर कोई करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पैसा पैसा होता है, जैसे कि प्रचार के लिए है या फिर भगवान की सेवा के लिए है, फिर तो वो मैनेजमेंट मतलब कैसे करते हैं कि चलो भगवान के लिए इतना बजट, प्रचार के लिए इतना बजट, लेकिन वो उस तरीके से उसका फॉलोअप नहीं होता है, या फिर जैसे कि कोई भक्त है प्रचार के लिए जा रहे तो उनको थोड़ा लक्ष्मी देने के लिए मंदिर थोड़ा हिचकिचाते हैं, अरे ये डोनेशन क्यों नहीं ला रहे हैं, या फिर प्रचार करने जा रहे तो उन लोगों से डोनेशन लेना चाहिए, तो ये चीजों के बारे में मैं पूछ रहा था ऐसे। ओहो, ये अलग अलग विषय हो गया एक्चुअली। ओके थैंक यू। ओके, और कुछ और किसी का कुछ है, हमने जो चर्चा किया उसके बारे में। हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे और ये अध्याय को पूर्ण करेंगे। ये आगे ज्यादा कुछ एक ही सेक्शन है, उसमें थोड़ा चर्चा है, फिर आगे ये चैप्टर हो सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कल विजय केशव फिर 6:30 बजे चालू करेंगे कल। हाँ तो 6:30 बजे के यहाँ पे चलेगा मुझे तो बाहर। ठीक है, चलिए तो कल ये कंप्लीट कर देंगे। बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। अरे